Please come to building block model. अब हम लोग एक्चुअली एंट्री मार रहे हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट चैप्टर में. आपके अगर इंस्टीट्यूट मैट ने अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यदि बनाए हैं तो वो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन चैप्टर में ही बनाए हैं. ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन नाम का चैप्टर में ही बना है. उसमें बहुत सारे नए नए मॉडल्स हैं जो पहले हमने कभी नहीं पढ़े थे, जो सिर्फ सीए न्यू सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया था. बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल उनमें से एक है. इसके आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे ग्रैब एंड गो करके, वो क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिएगा. बहुत बार वो इंस्टीट्यूट ने एमटीपी आरटीपीज में पूछा है, एग्ज़ाम में अभी तक होल्ड किया हुआ है, आने ही वाला है ऐसा लगता है. तो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल को फिट्ज़गराल्ड एंड मून मॉडल भी बुलाते हैं. ये एक्चुअली बनाया गया है परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर सर्विस इंडस्ट्रीज़ के लिए. सर्विस इंडस्ट्री, जैसे क्वेश्चन में पढ़ना कि सर्विस इंडस्ट्री है क्या, जैसे वही कोई सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, मान लीजिए जैसे कोई कोचिंग सेंटर है, कोई मान लीजिए आपका एक कंपनी है. क्वेश्चन अपने पास है जिसमें कोई फूड जॉइंट है. ओके, फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कंपनी है जो घर रेसिडेंशियल एकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, घर देता है लोगों को भाड़े पे रहने के लिए, उसके ऊपर केस स्टडी है. तो ये कह रहा है कि सर्विस इंडस्ट्री का जब परफॉर्मेंस मेजरमेंट करो तो उसमें कुछ हेड्स आप इन्वॉल्व करो, और वो हेड्स को हम लोग कैसे समझेंगे उसके ऊपर बात कर रहे हैं. मतलब ये सब एरियाज़ पे आप अपना परफॉर्मेंस मेजरमेंट करो. तो बात करें, ध्यान से समझना. पहला है स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ कि आपको अपना बजटेड परफॉर्मेंस सेट करना पड़ेगा. तो बजट कैसे सेट करेंगे, मतलब क्या करवाना है अपने टीम से, वो कैसे सेट करेंगे, उसके लिए तीन बात है कि इक्विटी होना चाहिए. इक्विटी मतलब इट शुड बी इक्वली चैलेंजिंग फॉर ऑल. देन ओनरशिप होना चाहिए. ओनरशिप का मतलब है कि सब कोई उसे अपना गोल समझ के एक्सेप्ट करें. दैट कम्स विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉइज़. ओके, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजर्स. एंड जो भी टारगेट आप उनको दें वो सारा का सारा टारगेट अचीवेबल होना चाहिए. वो सारा का सारा टारगेट अचीवेबल होना चाहिए. ठीक है, स्टैंडर्ड्स कैसे सेट करेंगे. इक्विटी, इक्विटी मतलब आपको मैंने बताया था बजटरी कंट्रोल में कि बजट बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होना चाहिए, याद है. तो इट शुड बी चैलेंजिंग. चैलेंजिंग मतलब मॉडरेट लेवल पे, एंड इट शुड बी चैलेंजिंग फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा नहीं एक को बहुत आसान, दूसरे को बहुत हार्ड, तीसरे को मॉडरेट. एवरी वन शुड हैव इक्वल चैलेंज. ओनरशिप मीन्स they should consider budget as if it is their own. This happens when you involve them in setting the budget. Achievable means you set only those targets which are possible to achieve under their operating conditions. Then what if I achieve your budget, what if I achieve the standard, you should give me rewards or incentives. Rewards should be motivating, matlab इट शुड बी मोटिवेटिंग रिवॉर्ड. मतलब बहुत छोटा सा कुछ ना हो, अट्रैक्टिव रिवॉर्ड हो. इट शुड बी क्लियर, मीन्स क्लियरली कम्युनिकेटेड. क्लियरली कम्युनिकेटेड का मीन मतलब क्या हुआ कि क्या मिलेगा एग्जैक्टली पता होना चाहिए. एंड कंट्रोलेबिलिटी मीन्स आप अगर कभी परफॉर्मेंस एनालिसिस करके एंड में ये देखेंगे, परफॉर्मेंस एनालिसिस के एंड में यदि आपने कभी ऐसा देखा कि अनकंट्रोलेबल रीजंस के कारण वो अपना टारगेट को अचीव नहीं कर पाया,
तो आप उसको पेनलाइज नहीं करेंगे, यू विल ओनली चार्ज देम फॉर कंट्रोलेबल रीजंस. ओके, सो स्टैंडर्ड सेट करो. कैसे सेट करो? इक्विटी, इक्वली चैलेंजिंग, ओनरशिप एंड अचीवेबल. रिवॉर्ड बताओ. रिवॉर्ड शुड बी मोटिवेटिंग, क्लियरली कम्युनिकेटेड एंड कंट्रोलेबल. ओके, देन देर आर डिटर्मिनेंट्स एंड रिजल्ट्स. डिटर्मिनेंट्स एंड रिजल्ट्स को कंबाइंड में बोलते हैं डिमेंशंस. डिटर्मिनेंट्स मतलब किसके ऊपर काम करना है. दीज आर फोर CSFs, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स. आपको क्वालिटी पे काम करना है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी लाना है, इनोवेशन पे काम करना है और रिसोर्स यूटिलाइजेशन पे काम करना है. क्वालिटी मीन्स समथिंग विच ऑब्वियसली कस्टमर कंसिडर्स वैल्यूएबल. फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस एज एंड वेन रिक्वायर्ड. लाइक इफ इट इज़ अ रेसिडेंशियल सर्विस एंड इफ से समवन हैज़ टेकन, अ कस्टमर हैज़ टेकन 1 BHK फ्लैट, देन नाउ ही नीड्स 2 BHK, सो यू शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू गिव हिम 2 BHK एट अर्लीस्ट. इनोवेशन मीन्स वट न्यू यू आर ब्रिंगिंग, न्यू कॉन्सेप्ट. मे बी यू आर यूजिंग एन ऐप विच दे कैन ऑलवेज यूज टू कॉल एनी मेंटेनेंस पर्सन इमीजिएटली, or they can use to write reviews and feedbacks. Then resource utilization, whatever manpower or resource you are having, you should utilize them to the maximum possible. Even say that residential apartments that you have, that you have to ensure ki sare apartments 100% level pe rent out ho jaye, nahi to utilization pura nahi ho raha, to ultimately losses hi honge. रिजल्ट्स दो तरह से आएगा, एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, आपका खुद का फाइनेंस, और दूसरा है कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस. दैट मीन्स यू शुड कंपेयर योर ईच एंड एवरी CSF इंक्लूडिंग फाइनेंस विथ कॉम्पिटिटर्स. कॉम्पिटिटर्स के साथ यू शुड कंपेयर बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल्स, बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. ओके, दीज आर ऑल नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज. तो नॉन फाइनेंशियल पे काम करके फाइनेंशियल आएगा, और आपको कंपेयर करना है कि आपका फाइनेंस और नॉन फाइनेंस एक्टिविटी कॉम्पिटिटर्स के जैसा था कि उससे बेटर था कि उससे वर्स था. सो अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चन हम लोग अभी तक इससे आया है, उसमें क्वेश्चन में कॉम्पिटिटर का डिटेल भी दिया हुआ था. कॉम्पिटिटर का डिटेल से हम लोग को कंपेयर कर करके कॉमेंट लिखना था इन डिफरेंट हेड्स. उसमें क्लासीफाई नहीं किया हुआ था कि क्या क्या एक्टिविटी किस किस हेड में हो रहा है. तो आपको एक्टिविटीज़ को क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, रिसोर्स में क्लासीफाई करना है, और फिर दिखाना है कि इस पर्टिकुलर पैरामीटर पे कॉम्पिटिटर के मुकाबले हम कैसा कर पा रहे हैं. हर एक जगह वही कमेंट करना था. तो एक बार मैं फिर से बोल दूँ, इक्विटी में क्या हो रहा है. मनन अग्रवाल ने टाइप किया है, डिग्री ऑफ चैलेंज शुड बी सेम. यू आर करेक्ट, द डिग्री ऑफ चैलेंज शुड बी सेम. ओनरशिप में क्या हो रहा है कि वी आर सेइंग दैट स्टैंडर्ड शुड बी सेट बाई एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, सो दैट दे कंसिडर इट एज देयर ओन. दे शुड कंसिडर द बजटेड परफॉर्मेंस एज देयर ओन, एंड यू शुड ओनली सेट अचीवेबल टारगेट्स. रिवॉर्ड शुड बी मोटिवेटिंग. मोटिवेटिंग मतलब इसमें एक और चीज है कि मोटिवेशन तभी है कि आपका जो भी रिवॉर्ड हो, दैट शुड बी ऑलवेज टाइड अप विद द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप. ओके, तो दैट इज ऑल्सो कमिंग अंडर मोटिवेशन. देन इट शुड बी क्लियरली कम्युनिकेटेड एंड इट शुड नॉट कंसिडर एनी अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स. डिमेंशन में डिटर्मिनेंट्स आर देयर. डिटर्मिनेंट्स में चार पार्ट है, क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन. रिजल्ट्स में दो पार्ट है, फाइनेंशियल्स एंड कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस. ठीक है, सो ये हो गया बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल खत्म. बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल खत्म हो गया. इसके ऊपर केस स्टडी आपको करना पड़ेगा. बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल एक बार के लिए खत्म हो गया. अच्छा, एक चीज मुझे याद आया है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में चलिए एक बार. सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आ जाइए. वहाँ पे CRM करके पढ़ाया था मैंने.
उस पेज में आ जाइए, सीआरएम वाला पेज में। ये वाला पेज में आ जाइए। यहाँ पर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को सीआरएम बोल रहे थे, एनालिसिस ऑफ कस्टमर एंड देयर बिहेवियर इसको करने के लिए मैंने बोला था सॉफ्टवेयर्स का साधन लिया जाता है जो कस्टमर के सारे हिस्ट्री को ट्रैक करता है। तो आजकल सॉफ्टवेयर में तीन लेवल्स होते हैं जिसको हम लोग थ्री फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ सीआरएम बुलाते हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आरटीपी में एक क्वेश्चन आ गया है इसको लेकर, जिसका जिक्र इंस्टीट्यूट मैट में कहीं नहीं है। थ्री फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ सीआरएम, वेरी गुड। आदर्श को पता है आंसर, सुपर। पहला है ऑपरेशनल, दूसरा है एनालिटिकल, तीसरा है स्ट्रेटेजिक और कोलैबोरेटिव। ऑपरेशनल सीआरएम का मतलब है कि यहाँ पे सारा डेटा आपका कंपाइल किया जाएगा, डेटा कलेक्शन, अलग अलग ग्रेड ऑफ कस्टमर्स का अलग अलग तरह से डेटा कलेक्ट किया जाएगा, प्रोफाइलिंग करेंगे, फिर उनका पास्ट ऑर्डर हिस्ट्रीज वगैरह रखेंगे, उनके सारे इंक्वायरीज का डिटेल रखेंगे। एनालिटिकल का मतलब है कि बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ ऑपरेशनल यू विल डू एनालिसिस एंड यू कैन डू सम प्रेडिक्शन अबाउट व्हाट योर कस्टमर्स नाउ वांट, वेयर इज द ट्रेंड, व्हाट दे डिजायर फॉर एंड व्हाट दे डोंट लाइक, ओके, टू व्हाट सेगमेंट दे गिव मोर वैल्यू टू। दिस इज बेस्ड ऑन ऑपरेशनल डेटा। ऑपरेशनल का डेटा को एनालाइज कर रहे हैं एनालिटिकल में। एंड स्ट्रेटेजिक इज यू आर नाउ कोलैबोरेटिंग विथ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड टेकिंग लॉन्ग टर्म डिसीजंस लाइक हाउ यू शुड नाउ वर्क विच विल गिव मोर वैल्यू टू योर कस्टमर। सो हियर इट इज डिसीजन मेकिंग एंड फॉर दिस यू हैव टू involve several departments in your organization. You have to involve several departments in your organization in order to give best value to your customers. So Sumit Banik कह रहे हैं कि ये इंटर में था, मेरे से तो नहीं पढ़े थे ना इंटर में, तो मैंने पढ़ा दिया। और ये मैं इसलिए बता दिया क्योंकि ये आपका करेंट मैट में कहीं नहीं दिया हुआ है, बट आपका आरटीपी में क्वेश्चन इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। आइए हम आज की क्लास शुरू कर रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल से स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल ऐसे तो मैंने पिछले दिन डिस्कस किया था, मैं एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने का चांस बहुत होता है। इसके जो भी केस स्टडीज़ हैं, अगर आप अपने केस स्टडीज़ को देखेंगे तो वो सब बहुत लेंदी है, छोटा सा कोई भी नहीं है। तो वो लेंदीनेस लाने के लिए यहाँ पे सामान भी है ना, इतना इसका वेरिएशंस है कि आप आराम से इसमें लेंदी चीज़ लिख भी सकते हो। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आपको हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखा देता हूँ, दो तीन की वर्ड, जिससे आप भी इसके अगेंस्ट में बड़ा आंसर लिख पाएँ, ठीक है। जैसे मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर करके लिख दूंगा इधर उधर, ठीक है, आप भी फॉलो करके फटाफट मेरे साथ लिख लीजिए। और पुराना जो लिखा हुआ एक बार मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप मिटा नहीं पाएंगे मुझे पता है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे
जहाँ जगह मिलेगा पेज तो बड़ा ही है, खाली है स्पेस, तो जहाँ जगह मिलेगा एरो खींच खींच के लिख दीजिए। सो इक्विटी का मतलब था इक्वली चैलेंजिंग, जिससे ये याद रहेगा आपको, इक्विटी में कुछ उटपटांग आप नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट, ओनरशिप का मतलब है एक्सेप्टेबल। बहुत लोगों की बहुत सारी रकम की क्वेरी आ रही है, ठीक है, हम लोग बाद में ले लेंगे, आप लोग की सारी क्वेरी लास्ट में ले लेंगे, हम लोग अभी फटाफट शुरू करते हैं, आज का जो टारगेट है वो ख़त्म करना ज़रूरी है। ओके, सो नेक्स्ट है एक्सेप्टेबल होना चाहिए, इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए। और एक्सेप्टेबल कब होता है, ये जब आप एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन करते हो इन बजट सेटिंग और स्टैंडर्ड सेटिंग। अचीवेबल का मतलब है कि ये रियलिस्टिक होना चाहिए, नॉट वेरी डिफिकल्ट। रियलिस्टिक मतलब नॉट वेरी डिफिकल्ट। रिवॉर्ड्स में मोटिवेशन के लिए हम लोग लिखेंगे, रिवॉर्ड्स में मोटिवेशन के लिए हम लोग लिखेंगे कि मोटिवेशन इंसेंटिव्स मिलेगा तो आएगा, इंसेंटिव्स मिलना चाहिए। और इंसेंटिव का भी प्लानिंग ऐसा करना चाहिए कि वो इंडिविजुअल गोल से लिंक नहीं होना चाहिए, फॉर अचीविंग बिजनेस गोल्स। अगर कंपनी का फ़ायदा कराया, जो गोल कॉन्ग्रुएंसी में सिखाया था आपको, उस पे इंसेंटिव मिलना चाहिए। क्लियर का मतलब है क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ इंसेंटिव्स एंड मेजरमेंट्स। मतलब जैसे अगर आप इंसेंटिव डिक्लेयर करोगे तो उसको मेज़र भी तो करना पड़ेगा ना, कि जैसे सेल्स मैनेजर को बोला कि आप एक मार्केट शेयर का नंबर ले लीजिए, अभी 10% है, आप उसको 12% करके दिखाइए। अगर 10 को 12 करना है तो वो 12 को मेज़र भी तो करना पड़ेगा। सो क्लियर मेजरमेंट होना चाहिए, मेजरमेंट का फॉर्मूला एकदम क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। कंट्रोलेबिलिटी की बात करें तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि नॉट पिनलाइज्ड फॉर अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। ऑब्वियसली नॉट पिनलाइज्ड और रिवॉर्डेड, ना तो आप अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स के लिए रिवॉर्डेड करोगे और ना पिनलाइज करोगे। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है क्वालिटी। When we will talk about quality, it is about reliability, responsiveness, appearance, which can be measured by customers' rating. मेज़र बाय कस्टमर्स रेटिंग, ये सारे डिटर्मिनेंट्स का मेज़रमेंट चाहिए, KPIs रिक्वायर्ड। ये सारे डिटर्मिनेंट्स में KPI लगेगा, तो इसका KPI कस्टमर रेटिंग। देन आ रहा है फ्लेक्सिबिलिटी। Flexibility is about cater to changes in demand, volume, कभी up and down हो रहा है तो उसको manage करना, speed, स्पेसिफिकेशन चेंजेस को कैटर करना। और इसका मेजरमेंट हो सकता है जैसे
इसका मेजरमेंट हो सकता है नंबर ऑफ डेज टू लॉन्च अ या टू मीट द न्यू स्पेसिफिकेशन. जैसे कोई नया स्पेसिफिकेशन आया तो उसको कितना दिन में आप मीट कर रहे हो, ये इसका केपीआई हो सकता है. नेक्स्ट इनोवेशन. इनोवेशन इज फॉर न्यू प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस. इसका केपीआई हो सकता है नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स. नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स रिसोर्स यूटिलाइजेशन में एफिशिएंसी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इसका परसेंटेजेस निकाला जा सकता है. एफिशिएंसी परसेंट और कैपेसिटी परसेंट. एफिशिएंसी और कैपेसिटी परसेंट. देन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में प्रॉफिटेबिलिटी सॉल्वेंसी, जिसके लिए आप लोग पूरा फाइनेंशियल रेशियोज यूज कर सकते हो. ये सब रेशियोज ऑलरेडी आपको पता है, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, कवरेज रेशियोज. देन कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस में इट इज अबाउट मार्केट शेयर, सेल्स ग्रोथ एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स. इसका मेजरमेंट हो सकता है नंबर ऑफ या परसेंटेज ऑफ ग्रोथ, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ, या फिर परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स रिटेन्ड, परसेंटेज ऑफ ओल्ड कस्टमर्स रिटेन्ड. देखो ये सब क्या है ना, ब्रॉड आइडिया है एक एक पॉइंट को लेकर. एंड ये एक एक पॉइंट पे आप इतना तो ऐसे याद रख लिए, अब जो है आपको केस स्टडी में जो इससे मिलता जुलता कुछ भी कनेक्टेड लगा तो वो भी एक एक लाइन डाल देना है. देखिए इंस्टीट्यूट मैट में जिस तरह से केस स्टडी का आंसर दिया हुआ रहता है, आप वैसे लिखने जाएंगे तो आपका पेपर कभी ख़त्म नहीं होगा. वो सजेस्टेड है, वो फाइनल नहीं है. आपका अगर वहाँ पे एक एक पॉइंट में 10 लाइन लिखा है तो आपको 2-3 लाइन ही लिखना है. आपको सारा एरियाज कवर करना है. जैसे आप इक्विटी के बारे में बड़ा सारा पैरा लिख देंगे और बाकी सब डायमेंशंस को टच नहीं कर रहे हैं, वो रॉन्ग है. आपको सारे एरियाज को टच करना है. केस स्टडी का फुल मार्क्स उठाने का रूल यही है कि यू हैव टू टच ईच एंड एवरी एरिया ऑफ द कॉन्सेप्ट टू बी डिस्कस्ड. इट्स नॉट नेसेसरी टू राइट फुल डिटेल्स और एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट ऑफ व्हाट इंस्टीट्यूट हैज गिवन. अगर आप लिखना चाहोगे भी ना, पूरा देख देख के भी लिखोगे तो भी वो स्टैंडर्ड टाइम में लिख नहीं पाओगे. अगर आप समझ लीजिए सामने में इंस्टीट्यूट का आंसर को रख के फिर एक आंसर को यदि हाफ एन आवर में ख़त्म करना होता है, वो हाफ एन आवर को पूरा देख देख के भी लिखोगे ना तो भी वो हाफ एन आवर में नहीं होगा, इतना वो लेंदी लेंदी लिखा हुआ है. सो आपको अपना कट शॉर्ट करना ही पड़ेगा. सो पहले तो आपको मॉडल पूरा पता होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा ये सब जो एक्स्ट्रा ज्ञान है वो पता होना चाहिए. उसके बाद केस स्टडी से मिलता जुलता एक एक दो दो लाइन. नहीं मिल रहा है तो जितना आपको पता वही लिख दो, ठीक है. सो ये बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का और भी थोड़ा सा मैंने डेप्थ डिस्कस कर दिया, जिससे कि आप कहीं इसको हल्का ना ले लें. इतना लिखा दिया ना तो आप देख के 100% इसको सीरियसली लेंगे कि इसमें इतना कुछ लिखा हुआ है. चलिए
परफॉर्मेंस प्रिज्म में आ जाओ, ये परफॉर्मेंस प्रिज्म को लिखा था एंडी नीली एंड क्रिस एडम्स ने, किस लिए? क्योंकि जो भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट अभी तक हो रहे थे उसमें मेन ऑब्जेक्टिव चल रहा था कि हम लोग शेयर होल्डर को मेन मान के चलें और वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है और शेयर होल्डर को जो चाहिए वो हम उनको देते रहें। आज तक परफॉर्मेंस मेजरमेंट मतलब यही चलता था। फिर क्या हुआ कि बैलेंस स्कोर कार्ड का कॉन्सेप्ट आया जो बोला कि खाली शेयर होल्डर ही क्यों, यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट योर कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज। कस्टमर्स और एम्प्लॉयज भी आपके इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए भी आप काम करिए। दैट केम इन टू बैलेंस स्कोर कार्ड। इफ यू जस्ट थिंक ऑफ शेयर होल्डर्स यू टेंड टू रन टू मच आफ्टर फाइनेंस एंड देन फाइनेंस डजेंट कम टू यू, सो यू शुड फोकस मोर ऑन नॉन फाइनेंस एक्टिविटी। यू शुड फोकस मोर ऑन वॉट? नॉन फाइनेंस एक्टिविटी। ओके, सो नाउ परफॉर्मेंस प्रिज्म इज सेइंग दैट, परफॉर्मेंस प्रिज्म इज सेइंग दैट वी विल फोकस ओनली ऑन दैट स्टेक होल्डर फ्रॉम होम वी आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। हम उसी स्टेक होल्डर पे काम करेंगे ना जो हमें ज़्यादा बेनिफिट देगा, चाहे वो शेयर होल्डर हो या वो एम्प्लॉयज़ हो या वो कस्टमर हो या गवर्नमेंट हो या कोई सोसाइटी एट लार्ज हो, इट कैन बी एनी स्टेक होल्डर। वी शुड वर्क मैक्सिमम विद दोज स्टेक होल्डर्स हुज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंपनी इज मैक्सिमम। सो हाउ टू थिंक अबाउट दैट, हाउ टू स्ट्रक्चर दैट, सो दैट कम्स इन परफॉर्मेंस प्रिज्म। सो प्रिज्म में फाइव फेस होते हैं, प्रिज्म का फाइव फेस होता है। ओके, प्रिज्म का फाइव फेस होता है। क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि कुछ अलग है आपका? अलग क्या है? पेज नंबर पे मत जाइए आप, मेरा पेज नंबर पे मत जाइए, मैंने बीच बीच में कितने सारे पेज इंसर्ट कर दिए ना, पेज नंबर से क्या लेना देना है, कॉन्सेप्ट पे जाइए। हाँ जी, फोकस करिए वापस। परफॉर्मेंस प्रिज्म में हम लोग स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन पे फोकस करें और स्टेक होल्डर में उसी स्टेक होल्डर को इम्पोर्टेंस दीजिए जो आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लॉन्ग टर्म गोल के लिए। ठीक है, वैसे इसके पीछे एक और पढ़ाई था मेंडेलोज मैट्रिक्स बोलकर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मेंडेलोज मैट्रिक्स जो स्टेक होल्डर को एनालाइज करता था, बट अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अपने परफॉर्मेंस प्रिज्म पे जो एंडी नीली एंड क्रिस एडम्स ने हमें सिखाया है। ओके, प्रिज्म बनाया उन्होंने, प्रिज्म में जैसे पांच फेस होते हैं, दो ऊपर एक ऊपर एक नीचे, मतलब दो ये वाला ऊपर नीचे वाला, फिर
उधर होता है, तीन फेस होता है इस तरफ, एक दो और एक तीन, ट्रायंगुलर होता है ना प्रिज्म, ऐसे करके जाएगा और पीछे में भी एक तो है, तो इधर एक दो तीन, ऊपर और नीचे मिला के पांच। तो बेसिकली पांच स्टेप है, पांच फेस है, मतलब पांच स्टेप है कि आप सबसे पहले ये स्टेप वाइज एकदम सीखो कि सबसे पहले आप अपने स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले क्या करोगे, स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई, और फिर देखो किसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, डिटरमाइन रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ ईच, एंड देन उसको पता करो जिसका पावर एंड इंटरेस्ट हाई है एंड जिसको आपको सेटिस्फाई करना भी ज़रूरी हो गया है, जिसका भी पावर भी हाई है आपके ऊपर, आपके ऑर्गेनाइजेशन पर, और आपका उन इंटरेस्ट उनका आपके ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा हाई है। एक्चुअली पावर और इंटरेस्ट मैट्रिक्स ही मेंडेलोज मैट्रिक्स है, आप यदि गूगल में सर्च करके करना पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, हम अभी डिटेल में नहीं जा रहे, मेंडेलोज में जाके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते। बेसिकली आपको ये बोलना चाह रहे कि बहुत सारे स्टेक होल्डर में जिसका अभी महत्व ज़्यादा है उसके लिए काम करो, सबके लिए एक साथ काम करोगे ना तो उलझ जाओगे। जैसे बैलेंस स्कोर कार्ड बोल रहा है, कस्टमर के लिए भी करो, एम्प्लॉय के लिए भी करो, और फाइनेंस के लिए भी करो, यानी शेयर होल्डर के लिए भी करो, सबके लिए एक साथ काम चलाते रहो राउंड द ईयर राउंड द ईयर। तो परफॉर्मेंस प्रिज्म कह रहा है इतना सारा चीज़ करोगे तो कुछ भी कर नहीं पाओगे, सिर्फ उसके लिए काम करो ना जिसका इम्पोर्टेंस आपके लिए सबसे ज़्यादा है, ठीक है, पावर एंड इंटरेस्ट जिसका हाई है उसके लिए काम करो, ओके, उसको सबसे ज़्यादा खुश रखो। और अब आपको जैसे पता चला कि आपके यहाँ एम्प्लॉई अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर बना हुआ है, ओके, तो आपको पता करना पड़ेगा कि आप अभी उस एम्प्लॉई के लिए क्या क्या काम करेंगे, और आपको पता करना पड़ेगा कि अभी उसके स्टेटस में क्या हो रहा है। सो मैंने यहाँ पे KPI लिखा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आंसर्स में आपको लिखना पड़ता है KPI, कि इफ़ एम्प्लॉई आर योर स्टेक होल्डर्स देन यू शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द करेंट सिनेरियो, दिस इज़ फॉर करेंट सिनेरियो, ओके, करेंट सिनेरियो में आप जानो कि एम्प्लॉई टर्नओवर रेट क्या है, उनका एम्प्लॉई का एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन कितना है, कितना दिन वो टिकते हैं आपके यहाँ पर, कितना बार स्ट्राइक्स हो रहा है, करेंट सिनेरियो को जानिए, जिससे आपको पता चलेगा कि हाउ दिस आर इम्पैक्टिंग योर स्ट्रेटेजी, हाउ दिस आर इम्पैक्टिंग योर गोल्स। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है, फ्रॉम योर स्टेक होल्डर्स, वी से हम उनके लिए कुछ करेंगे तो वो बदले में हमारे लिए क्या करेंगे, इट्स अ क्विड प्रो क्यो रिलेशनशिप, गिव एंड टेक रिलेशनशिप। अगर हम किसी एम्प्लॉय के लिए इतना बुद्धि लगाएंगे, किसी एम्प्लॉय मतलब पूरा एम्प्लॉय कम्युनिटी के लिए करेंगे जो करेंगे, अगर हम उतना रिसोर्स लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे कि उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं तो बदले में वो हमें क्या देगा, वो हमें सोचना जरूरी है, क्विड प्रो क्यो क्या है, बदले में क्या, ठीक है। सो आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स इन रिटर्न ऑफ स्टेप्स टेकन फॉर देयर सेटिस्फैक्शन, आपने जो जो स्टेप्स लिया होगा, आप जो स्टेप्स लेंगे उनके लिए उसके बदले में आपको उनसे क्या उम्मीद है, मे बी आप चाहते हैं कि वो एफिशिएंट हो जाए, मे बी आप चाहते हैं कि वो स्ट्राइक्स बंद कर दें, मे बी आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए, मे बी आप चाहते हैं कि आपका कॉस्ट रिडक्शन हो जाए, तो उसको भी मेजर करना है KPI से कि एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ आपको चाहिए, तो आपको इसका भी करेंट सिनेरियोज जानना पड़ेगा, ठीक है, करेंट सिनेरियो रिक्वायर्ड कि एफिशिएंसी क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, ऑन टाइम डिलीवरी अभी ये लोग कितना करते हैं, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी में अभी क्या सिचुएशन है, तो इंक्रीज कितना डिज़ायर्ड है। नाउ उसके बाद आप स्ट्रेटजीज अपनाएंगे, इसके बाद आप स्ट्रेटजीज अपनाएंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसके बाद आप स्ट्रेटजीज अपनाएंगे, क्या चीज़ के लिए स्ट्रेटजीज अपनाएंगे कि अब हमें स्टेक होल्डर के लिए क्या करना है, कितने समय में करना है, पूरा एक्शन प्लान्स हम लोग लिखेंगे, क्या करना है, कितने समय में करना है कि हम उनके नीड को सेटिस्फाई कर सकें। स्ट्रेटजीज टू इंश्योर दैट बोथ द स्टेक होल्डर एंड द ऑर्गेनाइजेशन नीड एंड रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड, कम्युनिकेट, इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएट द स्ट्रेटजीज कंटिन्यूसली। आप ऐलान करो ना कि अब
मैं आप लोगों के लिए ऐसा ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ, ओके। तो आपको ये देखना है कि स्ट्रेटजीज में आपने अनाउंसमेंट किया, मे बी एम्प्लॉई वेलफेयर, मे बी आप एक एरिया पकड़ लो, एम्प्लॉई रेम्यूनरेशन सिस्टम पे हम काम करेंगे, दैट विल बी स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी इज अ ब्रॉड एस्पेक्ट, ठीक है। मैं एम्प्लॉई रेम्यूनरेशन सिस्टम को बदल रहा हूँ, ठीक है, या एम्प्लॉय के वर्क टाइम को लेके मैं प्लानिंग कर रहा हूँ वर्क टाइम को लेकर, तो आप कुछ एरिया पे काम करो, या फिर आप हो सकता है दोनों पे काम करो। मैं वर्किंग कंडीशंस यानी वर्क टाइम एज वेल एज रेम्यूनरेशन पे काम कर रहा हूँ, तो वो स्ट्रेटजी होगा। अब उस स्ट्रेटजी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेसेस होंगे, मे बी आप उनको इंसेंटिव के लिए तैयार कर रहे हैं या इंसेंटिव सिस्टम डिवाइस कर रहे हैं, मे बी आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, मे बी आप ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं, मे बी आप वर्किंग आवर्स को रिव्यू कर रहे हैं, तो उसमें छोटे छोटे बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे। स्ट्रेटजीज एक बड़ा टर्म हो गया, एक बड़ा समझ लो टाइटल हो गया जैसा, और उसके अंदर बहुत सारे फिर छोटे छोटे एक्टिविटीज़ होंगे जिसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। तो स्ट्रेटजीज चाहिए टू इंश्योर दैट बोथ स्टेक होल्डर एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड एंड रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड, एंड यू हैव टू कम्युनिकेट, इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएट द स्ट्रेटजीज कंटिन्यूअसली, एंड यू नीड अगेन KPI whether your strategies are successful or not. So number of employees leaving or efficiency after the strategy. So ऊपर में क्या था, फॉर करेंट सिनेरियो था, तो करेंट सिनेरियो का जो नोटिंग किया आपने ऊपर में दोनों, उसी को आप वापस आफ्टर द स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन आप चेक करोगे कि ये स्ट्रेटजी सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। जैसे एक बार इंस्टेंस आपको बताते हैं, फोर्ड की फैक्ट्री में, फोर्ड का कॉन्सेप्ट था असेंबली लाइन में काम करो और एक एक आदमी मशीन के तरह एक ही स्टेप पे दिन रात काम करते रहेगा, स्पीड में, कभी ब्रेक नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसा करते करते फोर्ड के साथ क्या हुआ कि उसके एम्प्लॉई में एट्रिशन रेट यानी टर्नओवर रेट बहुत हाई हो गया, इतना हाई हो गया कि ऑलमोस्ट 30% 40% एम्प्लॉई उनको छोड़ के जाने लग गए, क्योंकि वो वर्कलोड इतना ले नहीं पाते थे और जाने क्या लग गए, फिर स्ट्राइक्स वगैरह का सामना उनको करना पड़ गया। तो फोर्ड ने स्ट्रेटजी बनाई, चलो अब स्टेक होल्डर्स हैं ये हमारे, इनको सेटिस्फाई करते हैं। स्ट्रेटजी इज एम्प्लॉई रिटेंशन, ये स्ट्रेटजी अनाउंस किया और फिर सिर्फ एक ही काम किया उनके लिए कि उनका वेज रेट वो जो पहले देते थे और अब जो देने लगे वो ऑलमोस्ट डबल सा कर दिए। वेज रेट डबल करते ही सबके मन में सारा दुख खत्म हो गया, सब वही काम को वापस करने लगे उतने ही उससे ज़्यादा फुर्ती से, और बस रेट डबल मिलने से उनका मन भर गया। तो उन्होंने एक ही स्टेप लगाया, स्ट्रेटजी था एम्प्लॉय रिटेंशन, एम्प्लॉय टर्नओवर को कम करना, और प्रोसेस क्या था, बस वेज रेट के ऊपर काम कर दो, ठीक है। तो स्ट्रेटजीज इज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लीविंग और एफिशिएंसी आपको चेक करना चाहिए आफ्टर द स्ट्रेटजी टू अंडरस्टैंड द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेटजी। देन व्हाट इज प्रोसेसेस, प्रोसेसेस मतलब द प्रोसेसेस एंड सब प्रोसेसेस हेडेड बाय अ मैनेजर टू बी डेवलप्ड टू सपोर्ट द स्ट्रेटजीज एंड मस्ट बी कंटिन्यूसली इवेल्युएटेड। एग्जाम्पल हो सकता है आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे काम करेंगे, हो सकता है आप ट्रेनिंग पे काम करेंगे, हो सकता है आप नया वर्किंग टाइम पे काम करेंगे, ठीक है, कोई इंसेंटिव सिस्टम पे काम करेंगे। तो कितने न्यू प्रोसेस आप सेट कर रहे हो वो आपको मेजर करना चाहिए। नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ प्रोसेस, एक एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा वो भी मेजर करना चाहिए, जिससे कि वो प्रोसेस का जो हेड बनाया गया वो सही में वो प्रोसेस को कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको आप हैंडल कर सकते हो। जैसे आपका एक प्रोसेस हो सकता है कि ग्रीवांस रिड्रेसल, ये एक प्रोसेस होगा, तो नंबर ऑफ डेज टेकन टू रिड्रेस अ ग्रीवांस दैट विल आइडेंटिफाई द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोसेस दैट यू हैव सेट, ओके। सो स्ट्रेटजी इज अ ब्रॉड टीम, ब्रॉड थिंकिंग, एंड इन दैट देयर आर सेवरल स्मॉल स्मॉल प्रोसेसेस। लास्टली कैपेबिलिटीज आर देयर, कैपेबिलिटीज मीन्स टू इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस यू नीड टू डू सम इन्वेस्टमेंट, your cost will be incurred, the resources would be required, you need to have a manager, the manager needs a space, and then there is a time and cost involvement. So those are capabilities, that is the resources, practices, technology, infra required to execute the process. So for that you will see cost per employee of the new initiative, number of men to be engaged in the process, all those targets need to be set and then compared with actual to understand whether we are able to actually अचीव दिस और नॉट। इसको सिक्वेंशली याद रखोगे,
ये इम्पॉर्टेंट है, एंड रिमेंबर दिस सीक्वेंस, रिमेंबर इन सीक्वेंस, ओके। पहले, सबसे पहले आपको स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको देखना है कि उनसे हमें क्या मिलेगा, क्विड प्रो क्यो, फिर देखना है कि क्या स्ट्रेटेजी, क्या फिर प्रोसेस, फिर क्या कैपेबिलिटीज, ओके। और फिर सबको कंटिन्यूसली इवेल्युएट भी करते रहना है कि उससे पर्पज़ अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत आसान से याद रखने के लिए, पहले स्टेक होल्डर को पहचानो, फिर देखो उनके लिए हमें क्या करना है तो बदले में हमें क्या मिलेगा, ऐसे हर किसी के लिए कुछ भी नहीं करना है, फिर क्या स्ट्रेटजी, क्या प्रोसेस, क्या कैपेबिलिटीज़। एक क्वेश्चन आता है इसमें, KPI सबका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कर जाना। ये KPI आपको आपके इंस्टीट्यूट मैट में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये KPI मैंने केस स्टडीज़ का आंसर को रीड करके बनाया है कि ये सब KPI से आपका केस स्टडी का क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक बार एग्जाम में ऑलरेडी परफॉर्मेंस प्रिज्म पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये KPI मैंने खुद से खोज खोज के केस स्टडी से लाके दिया है, इंस्टीट्यूट का नोट्स में KPIs नहीं मिलेगा, और ये KPI एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिखना पड़ता है। एक और एक बार एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था तो उसने पूछा था कि बताइए परफॉर्मेंस प्रिज्म और बैलेंस स्कोर कार्ड में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस एक ही है कि बैलेंस स्कोर कार्ड सबके साथ एक साथ काम करता है, ये बोलता है उसी स्टेक होल्डर पर काम करेंगे जो ज़्यादा अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे बदले में कुछ मिलेगा। बैलेंस स्कोर कार्ड बहुत ज़्यादा मेजरमेंट ले आता है, KPIs बहुत सारा क्रिएट कर देता है, क्योंकि वो एक साथ सब पे काम कर रहा है। ये बोल रहा है सिंस हम एक ही स्टेक होल्डर पर काम कर रहे हैं तो हमारे मेजरमेंट थोड़े से लिमिटेड है। बैलेंस स्कोर कार्ड इन जनरल स्ट्रैटेजी को चेंज करने कभी नहीं एडवाइस करता, वो बोलता है जो मेन स्ट्रैटेजी कंपनी का वो ही रहेगा, उसको पाने के लिए इन सबको क्या क्या देते रहें जिससे कि हम यहाँ तक पहुँच पाएँ। बैलेंस स्कोर कार्ड स्ट्रैटेजी एक ही रखता है जो कंपनी का मेन स्ट्रैटेजी है, बट परफॉर्मेंस प्रिज्म बोलता है आप ज़रूरत पड़े तो अपने स्टेक होल्डर के लिए कुछ अलग सा कुछ स्ट्रैटेजी बना लो। तो फोकस इज ऑन शेयर होल्डर, कस्टमर्स एज वेल एज एम्प्लॉइज़, ओके। यहाँ पे एम्प्लॉइज़ पे भी फोकस है, फोकस ऑन ऑल स्टेक होल्डर्स विथ हाई पावर एंड हाई इंटरेस्ट ऑन क्विड प्रो क्यो बेसिस। ये डज नॉट प्रपोज ऑल्टरेशन इन स्ट्रैटेजी फॉर स्टेक होल्डर्स, इट ऑल्टर स्ट्रैटेजीज डेवलप प्रोसेस टू सेटिस्फाई द स्टेक होल्डर्स, मेजर टू मेनी थिंग्स बट दिस मेजर्स लिमिटेड फैक्टर्स। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस प्रिज्म भी ख़त्म हो गया, परफॉर्मेंस प्रिज्म भी यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। सो फर्स्ट इज योर स्ट्रैटेजी, ओके, सॉरी, फर्स्ट इज योर स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या मिलेगा, थर्ड इज़ योर स्ट्रैटेजी, फोर्थ इज़ योर प्रोसेस, एंड लास्ट इज़ योर कैपेबिलिटीज़। सो परफॉर्मेंस प्रिज्म इज़ ओवर, एंड विद दिस आई एम कंक्लूडिंग टुडेज सेशन, द रिमेनिंग पोर्शंस विल टेक अप नेक्स्ट डे, ओके। सो लेट अस क्लोज द सेशन टुडे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, डू रिवाइज वंस बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट द टुमारोज सेशन। आप ये सारा एक बार रिवाइज कर लीजिए, और अगर आपका केस स्टडीज़ अभी नहीं पढ़ा हुआ है तो इससे जुड़े हुए जो केस स्टडीज़ हैं आज ही उनको पढ़ लीजिए, और अगर पढ़ा हुआ है तो एक बार फिर उन पे नज़र डाल लीजिए कि उसमें जो टर्म्स थे वो यहाँ पे जो लिखे हुए हैं उससे मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ओके। BSc और परफॉर्मेंस प्रिज्म विच इज़ बेटर, देयर इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम पार्थ गोयल। दोनों ही अपने जगह पर सही है, दोनों में बेटर वाला कोई कंपैरिजन नहीं है। BSc बहुत ज़्यादा काम करा रहा है, परफॉर्मेंस प्रिज्म स्पेसिफिकली एक ही स्टेक होल्डर पर काम करा रहा है। सो डिपेंड करता है आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या अभी इस स्केल पे है कि आपको सबके लिए काम करना है, या फिर आपको एक बार क्विड प्रो क्यो के बेस पे सिर्फ एक ही स्टेक होल्डर पर काम करना है, वो डिपेंड करता है। दोनों मॉडल अपने जगह पर सही है, ओके। चलिए, ग्रेट कवरेज टुडे, या वी कवर्ड लॉट ऑफ टॉपिक्स टुडे, एंड बिकॉज इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ द टॉपिक इट नेचर इट सेल्फ, द टॉपिक वेयर स्मॉल ओनली, दोज आर वेयर ओनली लेफ्ट, सो वी कुड कवर एवरीथिंग। बट माई आइडिया इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, आपको देखना शुरू कर देना चाहिए, केस स्टडी उसका फटाफट सॉल्व करिए। केस स्टडीज़ यदि आपके हाथ में नहीं है तो इंस्टीट्यूट मैट ले लीजिए, उससे सारे केस स्टडीज़ फटाफट घुमाइए, और यदि इंस्टीट्यूट मैट में सारा एक्यूमुलेटेड आपको एक जगह नहीं दिख रहा है, RTP MTP में भी कई सारे हैं, तो आपको दिव्य जड़ी बूटी बुक रेफ़र करना पड़ेगा SCM का, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, परफॉर्मेंस पिरामिड में आ रहे हैं।
परफॉर्मेंस पिरामिड क्रॉस एंड लिंच ने लिखा था, ठीक है, इन 1991। अब ऐसे कोई एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं आता, ये जस्ट आपको थोड़ा सा प्रॉपर इम्फेसिस देने के लिए बताता हूँ मैं। ओके, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक में मैंने देखा है ऐसा क्वेश्चंस जहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू फिट्जगराल्ड एंड मून मॉडल, तो फिट्जगराल्ड एंड मून मॉडल वहाँ पे नाम याद रखना पड़ेगा। बिल्डिंग ब्लॉक को खोजा था फिट्जगराल्ड एंड मून ने। जैसे बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग को बनाया था हैमर ने, माइकल हैमर। वैल्यू चेन को लिखा था माइकल पोर्टर ने, ठीक है। परफॉर्मेंस प्रिज्म लिखा था एंडी नीली और क्रिस एडम्स ने। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बताया था फिलिप्स क्रॉसबी ने। तो समटाइम्स ऐसा क्वेश्चंस केस स्टडी में डाल देते हैं कि एज पर क्रॉसबीज मॉडल, बट सी इंस्टीट्यूट अपने फाइनल एग्जाम में मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ पूछेगा, बट ऐसे केस स्टडी में कई बार लिखा हुआ होता है। तो एज पर क्रॉस एंड लिंच, अब क्रॉस एंड लिंच अगर नाम याद नहीं रहा तो आप कुछ भी कर ही नहीं पाओगे। तो कल को कोई एक्सेप्शन क्रिएट हो गया कि परफॉर्मेंस पिरामिड क्वेश्चन ने नहीं बोला और उसकी जगह क्रॉस एंड लिंच नाम रेफर कर दिया तो आप फंस जाएंगे। इसलिए मैं बता देता हूँ, जस्ट मालूम भी होना चाहिए ना, जिस जहाँ जहाँ पता है नाम हम लोग को वहाँ जान लेने में क्या दिक्कत है। सो परफॉर्मेंस पिरामिड इज अबाउट व्हाट, एक बार आप ध्यान से सुनो, परफॉर्मेंस पिरामिड इज अबाउट व्हाट, ये क्रॉस एंड लिंच ने लिखा था। इसमें दो चीज पे फोकस करते हुए कॉरपोरेट विजन को अचीव कराते हैं, और वो दो चीज क्या है, एक है इंटरनल एफिशिएंसी, दूसरा एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस। अंदरूनी और बाहर, अंदर का काम और बाहर का नतीजा। इसमें कह रहे हैं कि अगर आपको अपने कॉरपोरेट का विजन को अचीव करना है, अगर आपको कॉरपोरेट का विजन को अचीव करना है तो आपको अंदरूनी एफिशिएंसी लानी होगी, इंटरनल एफिशिएंसी पे काम करना पड़ेगा और एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस पे भी काम करना होगा। मेनी टाइम्स हम अंदर में जो करते हैं वो बेस्ट कर रहे होते हैं बट बाहर में उसका नतीजा नहीं आ रहा होता है, मतलब जिसको वो करके दे रहे हैं उनको उतना इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा होता है, तो आपको ये भी ध्यान देना है कि वो बाहर में भी इफेक्टिव हो, ठीक है। जैसे कोई मूवी को हिट कराना है ना, तो खाली आप अच्छे से शूट करें, अच्छा स्क्रीन प्ले करें, अच्छा स्टोरी राइटिंग करें, अच्छे एक्टर को लें, अच्छा डायरेक्शन करें तो मूवी हिट हो जाएगा, ज़रूरी नहीं। अंदर में तो सब कोई ऐसा होता है क्या, कोई प्रोड्यूसर सोचता होगा चल एक फ्लॉप मूवी बनाते, ऐसा कोई होता है क्या, सब यही सोचते ना हिट मूवी बनाएंगे, बट काम पूरा मन धन धन से ही करते हैं, सब कुछ लगा के वो लोग करते हैं, बट जब मूवी रिलीज होती है एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस में वो ख़त्म हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है, तो सारा किया कराया हुआ इंटरनली वेस्ट हो जाता है। सो ये मॉडल कह रहा है कि आपको दोनों चीज़ पे काम करना है, ना कि सिर्फ इंटरनल एफिशिएंसी पर। इसलिए आपको पता है आमिर खान का जब मूड होता है ना, उनको परफेक्शनिस्ट क्यों बोलते हैं, उनका जब मूड होता है ना कोई अच्छा मूवी बनाने का, तो वो मूवी को बना लेते एक बार और उसका रिलीज के पहले अलग अलग ग्रुप्स में जा जा के ना स्क्रीनिंग करते हैं। आमिर खान का ये खासियत है, जैसे थ्री इडियट्स मूवी को लेकर उन्होंने कम से कम 100 स्क्रीनिंग की थी बिफोर रिलीज ऑफ द मूवी, टू अंडरस्टैंड कि मैं जो दिखा रहा हूँ वो दूसरों को कैसा समझ में आ रहा है। आमिर खान ने खुद एक बार अपने इंटरव्यू में बोला था, ही सेड हिमसेल्फ इन एन इंटरव्यू दैट बिफोर से मेकिंग ऑफ लॉन्चिंग ऑफ मूवी थ्री इडियट्स, रिलीज ऑफ मूवी थ्री इडियट्स, वी डिड मल्टीपल स्क्रीनिंग टू टेक रिव्यूज ऑफ आवर स्पेक्टेटर्स, एंड वो जो 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 क्रिटिसिज्म निकालते थे ना उसके हिसाब से वो वापस सीन को रीशूट करते थे और फिर मूवी में डाल के फिर से रिव्यू लेते थे। आमिर खान को परफेक्शनिस्ट ऐसे ही थोड़ी बोला जाता है, परफेक्शनिस्ट परफेक्शन कैसे लाता है, वो इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस पे काम करता है। इवन इन दंगल, दंगल बिकेम सच अ हिट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ परफेक्शनिस्ट। ऐसा नहीं होता कि कोई मूवी में हमने फर्स्ट टाइम इंटरनली जो बनाया और वो ऐसा बना दिया कि एक बार में पसंद आ जाएगा, तो दे डू मल्टीपल स्क्रीनिंग विथ मल्टीपल टाइप ऑफ पीपल, कि कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ करते हैं, उनको क्या अच्छा लग रहा है,
जैसे कि स्कूल स्टूडेंट्स के साथ करते हैं, तो फिर मजदूरों के साथ करते हैं, तो फिर बिजनेसमैन के साथ करते हैं, तो फिर फिल्म मेकर्स के साथ करते हैं, उनके रिव्यूज़ को प्रॉपरली लेकर वो फिर से सीन शूट करके, फिर से स्टोरी को रीराइट करके, फिर से शूट करके एक मूवी निकालते हैं। और ऐसा ही हॉलीवुड का तो ये ट्रेंड ही है, बहुत सारा हॉलीवुड का टॉप मूवीज़ इसी तरीके से बनता है, एक बार में इतना परफेक्शन अदरवाइज आएगा कैसे। तो यहाँ पे हम लोग यही चीज़ पे इन्फोसिस कर रहे हैं कि आप इंटरनल एफिशिएंसी के साथ साथ एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस पे काम करिए, सिर्फ इंटरनली मत सोचिए। और काम करने का जो फ्लो होगा, काम करने का जो फ्लो होगा वो फ्लो आपका एक पिरामिड में विजुअलाइज किया जा सकता है। पिरामिड में पहले तो फाउंडेशन होगा और फिर एकदम टॉप होगा, टॉप मतलब कॉरपोरेट विजन, और फिर नीचे में जो फाउंडेशन है उसमें दो काम है, एक इंटरनल एफिशिएंसी और दूसरा एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस। पहला है इंटरनल एफिशिएंसी और दूसरा है एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस। पहला है इंटरनल एफिशिएंसी और दूसरा है एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस। ओके, नाउ इंटरनल एफिशिएंसी पे काम कैसे करते हैं, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप ये पिरामिड को विजुअलाइज करिए कि पहले तो आपको अपना ऑपरेशंस पे ही काम करना है। ऑपरेशंस पे किस दो चीज़ पे काम करोगे, साइकिल टाइम पर और वेस्ट रिडक्शन पर। साइकिल टाइम को रिड्यूस करो और वेस्ट को रिड्यूस करो। ओके, और एट द सेम टाइम दूसरों को भी लगे, यानी बाहर वालों को भी लगे कि आप उनके लिए कुछ करो, इसलिए क्वालिटी पे भी काम करेंगे और डिलीवरी पे भी काम करेंगे। बिकॉज बाहर वाले आपको यही दो पैरामीटर से जज कर रहे होते हैं कि आप अंदर में कितने अच्छे हो। ठीक है, जब आप ये दोनों पे काम करोगे, इधर साइकिल और वेस्ट पे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगी। उसी तरह से जब आप क्वालिटी और डिलीवरी पे काम करोगे तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन आएगा। अगर आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्टिविटी के साथ फ्लेक्सिबिलिटी इनकॉर्पोरेट कर देते हो, फ्लेक्सिबिलिटी एज इन आपका वही कि कस्टमर जैसा चाहे वैसा प्रोडक्शन में कर पाते हैं क्या, स्पेसिफिकेशन चेंजेस को एकोमोडेट कर पाते हैं, सीजनल राइज इन डिमांड, अप सर्ज इन डिमांड को आप कैसे इजीली मीट कर पाते हैं और हर सिनेरियो में अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं कि नहीं। सो वो फ्लेक्सिबिलिटी यदि आप डाल देते हो तो आपका फाइनेंशियल्स भी सही हो जाता है और मार्केट मतलब मार्केट शेयर भी बढ़ना शुरू हो जाता है, जो किसी भी कंपनी का मेन गोल होता है फाइनेंस और नॉन फाइनेंस टर्म्स में। ओके, एंड ये दोनों जब अचीव हो जाता है तो कॉरपोरेट का विजन अचीव होने लग जाता है। इन जनरल हमने कहा है कि ये जो एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस वाला साइड है ना, ये सारा नॉन फाइनेंशियल है। ओके, और ये इंटरनल एफिशिएंसी वाला जो साइड है ये सारा का सारा फाइनेंशियल्स है, इस तरफ फाइनेंशियल्स है, इसलिए उसका कलर चेंज किया हुआ है और उस तरफ नॉन फाइनेंशियल है, उसका कलर वाइट रखा गया है। तो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों पे काम करोगे तो आपका लक्ष्य अचीव होगा। तो एक बार फिर से याद करो, पिरामिड को दिमाग में बैठा लो। पिरामिड एग्ज़ाम में ड्रॉ करके आना कोई ज़रूरी नहीं है, आप नहीं भी कर सकते हैं। ऐसा कहीं पे भी इंस्टीट्यूट का कोई भी सेशन आंसर में पिरामिड ड्रॉ करके नहीं बताया गया है। ठीक है, तो आपको ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं है, आपको ड्राइंग से लेकिन याद रखना है कि कॉरपोरेट विजन को अचीव करने के लिए हम लोगों को पहले तो अपने फाउंडेशन पे काम करना है, जिसमें फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं और नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं। फाइनेंशियल मतलब इंटरनल एफिशिएंसी और नॉन फाइनेंशियल मतलब एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस। इंटरनल एफिशिएंसी और एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस सबसे पहले ऑपरेशंस में काम करके आता है। ऑपरेशंस में इंटरनल एफिशिएंसी के लिए क्या क्या है, दो नाम फटाफट रिकॉल करो। एक है आपका साइकिल टाइम रिडक्शन, दूसरा है वेस्ट रिडक्शन। एक्सटर्नल में दो चीज़ पे काम करना, एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस लाने के लिए क्वालिटी पे और डिलीवरी टाइम पे। अगर आपने इधर दो और इधर दो पे काम किया तो इससे नतीजा क्या मिलेगा, इधर प्रोडक्टिविटी आएगा, इधर कस्टमर सेटिस्फेक्शन आएगा। इफ़ यू ऑल्सो इनकॉर्पोरेट फ्लेक्सीबिलिटी देन यू विल गेट मार्केट शेयर एंड योर फाइनेंशियल मोटिव वुड बी अकम्प्लिश्ड एंड दैट इज ओनली द विजन ऑफ एनी कॉरपोरेट। ओके, सो दिस इज ओनली द परफॉर्मेंस पिरामिड। परफॉर्मेंस पिरामिड यहाँ पे खत्म हो गया। इन द अबव पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑब्जेक्टिव्स आर शोन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बस ये लिखने का चीज है, ऐसा आपको एग्जाम में नहीं लिखना है कि ऑब्जेक्टिव्स आर शोन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आपको ये पिक्चर का एनालॉजी समझाने का ज़रूरत नहीं है एग्जाम में। आपको एग्जाम में इंटरनल एफिशिएंसी कैसे आएगा वो लिखना है। ओके, मेजर्स आर फ्रॉम बॉटम टू टॉप।
मैं जस्ट रीड करता हूँ हमेशा बॉटम टू टॉप कि आपको जो अचीव करना है वो आपका कॉरपोरेट विजन है और वो नीचे से काम करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे. एट द टॉप इज़ द ऑर्गेनाइजेशन्स कॉरपोरेट विजन विच थ्रू विच लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस आर डिस्क्राइब्ड. द बिजनेस लेवल फोकसेज ऑन अचीवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन CSF इन टर्म्स ऑफ मार्केट एंड फाइनेंशियल मेजर्स. मतलब दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल सक्सेस ऑफ अ प्रपोजल इज द इनिशियल फोकस फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉर्पोरेट विजन. कॉर्पोरेट विजन पाने के लिए ये दो चीज पे हम फोकस करते हैं. द अबव बिजनेस आर लिंक फॉर अचीविंग लिंक टू अचीविंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन फ्लेक्सीबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी. द अबव ड्राइविंग फोर्सेज कैन बी मॉनिटर्ड यूजिंग द ऑपरेटिंग फोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फॉर अचीविंग ऑल दिस यू हैव टू वर्क ऑन ऑपरेशंस. द लेफ्ट हैंड साइड कंटेन्स एक्सटर्नल फोर्सेज विच आर नॉन फाइनेंशियल. ऑन द अदर हैंड राइट हैंड साइड कंटेन्स इंटरनल एफिशिएंसी विच आर प्रेडोमिनेंटली फाइनेंशियल इन नेचर. ठीक है. सो आपको ये पिरामिड का एनालॉजी नहीं समझाना एग्जाम में. एग्जाम में बोलेगा आपको हाईलाइट करना है इस कंपनी में इंटरनल एफिशिएंसी और एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस कैसे लाया जाए. सो इवन दो दे मे नॉट मेंशन परफॉर्मेंस पिरामिड से ही रिलेट करना है. वो हो सकता है आपको बोलेंगे बस यू राइट हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स इंटरनल एफिशिएंसी एंड एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस. ओके. या फिर आपको कोई एनेक्शर बना के दे देगा और उसमें कुछ डिटेल्स दिया हुआ रहेगा. ठीक है. जैसे क्वालिटी के रिलेटेड कोई KPI दिया हुआ है, साइकिल टाइम रिलेटेड कुछ KPIs दिए हुए हैं, वेस्ट रिलेटेड दिया हुआ है, डिलीवरी का ऑन टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका कुछ नंबर्स दिया हुआ आपको और उसको स्टडी कर करके आपको बताना होगा कि वो लोग डिलीवरी ऑन टाइम कर पा रहे हैं कि नहीं, क्वालिटी अचीव हो रहा है कि नहीं. साइकिल टाइम दिया हुआ होगा तो उससे बताना होगा कि वो एफिशिएंट हुए हैं कि नहीं. वेस्ट से दिया होगा तो बताना होगा कि डिफेक्ट्स कम हुआ है कि नहीं. प्रोडक्टिविटी मतलब कितना जल्दी आप आउटपुट बना पा रहे हैं वो उसके बारे में कोई मेजरमेंट भी दे सकता है. उसको देख देख के आपको एक एक लाइन लिखना पड़ेगा कि इससे पता चल रहा है कि प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हुआ है, इससे पता चल रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी आया, इससे पता चल रहा है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि मार्केट शेयर इम्प्रूव हुआ है, इससे पता चला है कि इनका फाइनेंशियल भी अच्छा हुआ है. सो फाइनेंशियल अच्छा होने का और मार्केट शेयर इम्प्रूव होने का कारण है कि इन लोगों ने ये सब चीज़ों पर काम किया है. ऐसा एक क्वेश्चन हमारे इंस्टीट्यूट मैट में केस स्टडी में दिया हुआ भी है जिसमें नंबर्स दिए हुए हर एक के लिए, KPIs दिए हुए हैं. आपको KPIs को इन हेडिंग से रिलेट करके एक एक के बारे में कमेंट करते हुए अपना आंसर को कंक्लूड करना है. उस आंसर एक ही क्वेश्चन है पिरामिड के ऊपर, उसको आप ज़रूर से देख लीजिएगा. अनुज अग्रवाल कह रहे हैं कि इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है जोमेटो डिलीवरी, ओनली टू पैरामीटर क्वालिटी एंड डिलीवरी. अमन अग्रवाल कह रहे हैं वी कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ इंटरनल एफिशिएंसी वी कैन अटेन एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस. नो, यहाँ पे आप मिस्टेक कर गए अमन अग्रवाल. इट्स नॉट दैट इंटरनल एफिशिएंसी हम एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस ला रहे हैं. यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आप दोनों पे काम कर रहे हैं. इंटरनल एफिशिएंसी के साथ साथ आप एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस में भी काम कर रहे हैं. एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस लाने के लिए पैरामीटर्स अलग हैं क्वालिटी डिलीवरी, और इंटरनल एफिशिएंसी लाने के लिए पैरामीटर्स अलग है साइकिल टाइम और वेस्ट. जैसे सोचो इंटरनल एफिशिएंसी के एग्जांपल सोचो, मैं SJC चला रहा हूँ तो मेरे यहाँ पर समझिए वेस्ट नहीं होता है. फॉर इंस्टेंस मान लीजिए एक माइक्रोफोन है, ये माइक मैं जिसमें आपको पढ़ा रहा हूँ इसको यूज़ करने के लिए हमें बैटरीज चाहिए होती हैं. तो ये बैटरीज हैं, यहाँ पर देखिए बैटरी का पैकेट दिख रहा है ड्यूरासेल का. तो अब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें मैंने देखा कि एवरी क्लास होगी उसके बाद वो लोग बैटरी चेंज कर देंगे. बैटरी में एनर्जी है तो भी उसको वो बोलते हैं नहीं नया क्लास में हमको रिस्क नहीं लेना, हमको नया बैटरी डालना है. और मैं ऐसे नहीं करता हूँ. मैं बोलता हूँ जब ये जवाब दे देगा तब मैं नया बैटरी लगाऊंगा. बीच में क्लास को रोकना पड़े तो भी कोई ख़ास बात नहीं है, मैं बैटरी का पैसा बचाऊंगा. तो ये क्या है, मैं वेस्ट पे काम कर रहा हूँ. बट इट डजेंट मीन मैं वेस्ट रिडक्शन कर रहा हूँ तो एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस बढ़ रहा है. आप बोलेंगे वाह 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 क्या पढ़ाते हैं, एक बार में पास समझ में आ जाता है. अरे भाई बैटरी का पैसा बचा रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे पढ़ाने से कोई एक बार में पास हो जाए ऐसा ज़रूरी थोड़ी है. तो मेरे को एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस के लिए अलग से एफर्ट लगाना पड़ेगा. इट इज़ नॉट दैट मेरा वेस्ट रिडक्शन से एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस ऑटोमेटिक आएगा, ऐसा नहीं है. एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस के लिए आपको अलग काम करना पड़ता है. ठीक है. सो मेरे को मेरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट लाने के लिए ऐसे रिवीजन क्लास लेने पड़ते हैं, ऐसे समरी बुक्स बनाने पड़ते हैं. ये क्या कर रहा है, ये एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस पे काम कर रहा है. इसी को हम लोग क्वालिटी बोल सकते हैं.
ठीक है, क्वालिटी एंड डिलीवरी से कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलता है जिससे मार्केट शेयर बढ़ता है, यस ये आप बोल सकते हो, बट इंटरनल एफिशिएंसी से हमारा क्वालिटी डिलीवरी अच्छा हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, पिरामिड इज ओवर, पिरामिड इज ओवर। केपीआईज नीडेड फॉर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स, यस वेरी मच केपीआईज आर नीडेड, यू आर करेक्ट दीपेश, केपीआईज आर नीडेड फॉर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स, यू नीड केपीआईज फॉर यू कैन से ऑल ऑफ द हेडिंग्स दैट आर बींग डिस्कस्ड हियर। और ये KPIs बहुत सिंपल से होते हैं क्वालिटी के लिए, जैसे कि मे बी आपका आप नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पता कर सकते हो, डिलीवरी के लिए ऑन टाइम डिलीवरी का परसेंटेज पता कर सकते हो, साइकिल टाइम इज बेसिकली मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज, वेस्ट इज कितना वेस्ट हो रहा है आउट ऑफ कितना, तो परसेंटेज ऑफ वेस्ट आप निकाल सकते हो, प्रोडक्टिविटी मीन्स कि कितने दिन में काम खत्म हो रहा है, आउटपुट इनपुट आउटपुट रेशियो को प्रोडक्टिविटी बोल सकते हो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कस्टमर रिव्यू से रेटिंग से पता चल सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स नंबर ऑफ डेज टू केटर टू द चेंजेस इन स्पेसिफिकेशन उससे पता चल सकता है, मार्केट शेयर सेल्स ग्रोथ से पता चल सकता है, फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से पता चल सकता है। तो सबका KPI मैंने मुझमानी बोल दिया, बहुत आसान सा होता है। तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बोला ना इसका क्वेश्चन एक अपने क्लास अपने DJB बुक में भी है, केस स्टडीज बुक में भी है, इंस्टीट्यूट मैट में भी, आप उसका एक ही क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि सबका KPI क्या और उसका आंसर लिखने का स्टाइल क्या है। ठीक है, ओके परफॉर्मेंस मेजर इन नॉन प्रॉफिट सेक्टर, परफॉर्मेंस मेजर इन नॉन प्रॉफिट सेक्टर। नाउ इसको शुरू करने के पहले कुछ नोट्स लिखना जरूरी है, इस नोट्स का नाम है की चैलेंजेस इन परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर। चलिए लिखे की चैलेंजेस इन परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर, ये रट लेंगे एकदम, की चैलेंजेस को रटना जरूरी है। पहला, बेनिफिट्स कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, द क्वेश्चन इज व्हाई, भाग गया ही भाग गया, फिर खोज के लाना पड़ेगा। आइए, पहला पॉइंट है परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन नॉन प्रॉफिट सेक्टर के लिए, परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन नॉन प्रॉफिट सेक्टर के लिए पहला पॉइंट है बेनिफिट्स कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। सेकंड नंबर लिखिए, बेनिफिट्स अक्रू ओवर लॉन्ग टर्म, थर्ड पॉइंट लिखिए मेजरमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड एक्सपेंडिचर, नंबर फोर लिखिए मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। ये चार पॉइंट हमेशा आप मालूम होना चाहिए बिफोर यू स्टडी परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर।
पंकज वर्मा कह रहे हैं थोड़ा स्लो, मैं तो रुका हुआ हूँ आपके लिखने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड नाउ, आपने लिख लिया होगा, बस ज्यूम करें अभी तक। परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर। नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर का सबसे बड़ा समस्या यही है कि वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, ये जो इसका नेचर है यही इसका सबसे बड़ा समस्या है। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज इम्पोज इसीलिए हो जाता है कि सिंस इसको प्रॉफिट नहीं कमाना है तो पता कैसे चलेगा कि ये जो कंपनी है जो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए चलाया जा रहा है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट? सो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसको इन जनरल हम लोग नंबर्स से ही मेज़र किए, और प्रॉफिट वाला ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाथ में है, प्रॉफिट दिख रहा है तो अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट नहीं दिख रहा है तो अच्छा नहीं चल रहा। वैसे हम लोग इवन जो कंपनियां प्रॉफिट के लिए काम करती है उनके लिए भी तो हम लोग बोल रहे हैं ना, सिर्फ प्रॉफिट मत देखो, उससे पता नहीं चलता, फाइनेंस से पता नहीं चलता कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको नॉन फाइनेंस भी उनका देखना चाहिए, तभी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में डिस्टिंग्विश हो पाता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म के लिए काम ही नहीं करता क्योंकि उसका मोटो में फाइनेंस है ही नहीं, उसका मोटो में प्रॉफिट है ही नहीं। तो प्रॉफिट जिसके ऊपर आप थोड़ा बहुत डिपेंड होते थे परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए एज पर अपडेटेड नॉलेज ऑफ इवन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम बोलते थे थोड़ा बहुत डिपेंड हो, नॉन फाइनेंशियल भी देखो, तो यहाँ पे फाइनेंशियल में जो एस्पेक्ट था प्रॉफिट वाला वो एकदम ही नहीं है। सो हाउ टू मेजर द परफॉर्मेंस, दिस इज इम्पोजिंग अ चैलेंज। सो वट वी से कि ओके, इसका कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा ना, इसका ऑर्गेनाइजेशन का कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा कि मैं ये वाला काम करूँगा, ऐसे ऐसे लोगों का मदद करूँगा, अंडर प्रिविलेज के लिए काम करूँगा। तो अंडर प्रिविलेज के लिए क्या काम करोगे आप? उनको पोलियो से मुक्त कराओगे, या फिर आप उनको हाइजीन सिखाओगे, या फिर आप उनको एजुकेशन दिलवाओगे? तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, डेफिनेटली वो ऑब्जेक्टिव्स को आपको स्टडी करना है। देखा ये गया है कि ये जितने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो स्टैंड अलोन सिंगल ऑब्जेक्टिव पे नहीं चलते हैं, दे ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, दे नेवर रन ऑन स्टैंड अलोन सिंगल ऑब्जेक्टिव, दे रन ऑन मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। अब मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स है तो एक अच्छा चल रहा है, एक बुरा चल रहा है, ऐसा केस हो जाता है, कई बार एक में सक्सेसफुल होते हैं दूसरे में नहीं हो पाते, तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दे क्या? ऐसा नहीं कर सकते, एक में सक्सेसफुल है तो दूसरा नहीं चल रहा तो उसको बंद कर दे क्या? तो बंद वाला सिस्टम नॉट फॉर प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी चल रहा है किसी का भला तो हो रहा है ना। तो ये एक चैलेंज है कि ये लोग कैसे चला रहे, जो ख़राब भी है मतलब जिसमें उतना अच्छा नहीं भी कर पा रहे तो उसको भी बंद करने का मन नहीं करता, क्योंकि उससे समाज की सेवा हो रही है, समवेयर सम हेल्प इज एक्सटेंडेड टू द कम्युनिटी। सो दे आर हैविंग मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, देयर शॉर्ट टर्म aspect इज नॉट देयर ओनली, शॉर्ट टर्म aspect मतलब फाइनेंशियल aspect, सो फाइनेंशियल aspect इज नॉट देयर, सो ऑल देयर गोल्स आर रिलेटेड विद लॉन्ग टर्म, एंड when टू मच लॉन्ग टर्म aspect इज देयर इट इज़ वेरी टफ टू ascertain देयर परफॉर्मेंस। एंड अगेन वॉट एवर बेनिफिट्स दे आर गिविंग टू द कम्युनिटी, नाउ हाउ विल यू डिफाइन द बेनिफिट्स गिवन? जैसे मेनी टाइम्स होता है कि हम लोग किसी संस्था से जुड़े हुए होते हैं, उनको डोनेट करते हैं और वो लोग वो रुपया को लेकर कहीं किसी को देने जाता है, तो वी हैव एज अ डोनर वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस कि मेरा रुपया को लेकर वो जहां देने जा रहा है उनको वाकई में उस चीज़ की ज़रूरत थी कि नहीं थी। पता चलता है कि उनको तो बहुत लोग देने आ रहे हैं, कभी कोई संस्था देने जा रही है, कभी कोई संस्था देने जा रही है, कभी सरकार से मिल रहा है उनको, तो मे बी हम लोग सिलेक्शन तो कर रहे हैं सही लोगों का, बट वो सिलेक्शन में ऐसा लग रहा है कि दे आर नॉट द ट्रू डिजर्विंग पीपल, दे आर नॉट एक्चुअली गेटिंग द राइट थिंग। ओके, समटाइम्स वी ऑल्सो से कि दे आर नॉट एक्चुअली गेटिंग द राइट थिंग ऑल्सो, मतलब उनको सही चीज़ नहीं मिल रहा है, मैं ऐसा लग रहा है, या हम जो उनको नहीं चाहिए वही दिए जा रहे हैं।
सो वाकई में उनको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इट इज़ टफ टू डिटरमाइन. सो बेनिफिट्स कैन नॉट बी क्वांटिफाइड. शॉर्ट टर्म यहाँ कुछ है ही नहीं, सब लॉन्ग टर्म है. यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो एक को कम अगर प्रेफरेंस दिया जा रहा है तो उसको विड्रॉ कर ले, ऐसा भी नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि किसी का तो कुछ भला हो ही रहा है. लास्टली, मेजरमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंड एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो चैलेंज. नाउ ये क्या बोलने का मतलब है, फंड मतलब जो आपके पास फंड आता है डोनर्स से या मेंबर्स से, आपके पास जो कलेक्शन आता है, यूजुअली दोज कलेक्शन कम फॉर अ पर्पस. यू कलेक्ट से कि हमें पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए फंड कलेक्ट करना है, तो आपका वो फंड उसी काम में यूज हो, इसका चैनलाइजेशन पे ध्यान देना पड़ता है. बट अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स है ना, तो सारा फंड तो कॉमन फंड में घुस जाता है बहुत बार, और कॉमन फंड में घुस जाने से फिर किस फंड का कहाँ किस ऑब्जेक्टिव में यूज़ हो गया वो मेजरमेंट भी डिफ़िकल्ट हो जाता है. हालांकि आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हैं तो आप लोग इस अकाउंटिंग को सुधार सकते हैं. जैसे मैं एक ऐसे ही संस्था से जुड़ा हुआ था, तो हमारे वहाँ पर एक बहुत अच्छा सिस्टम चलता था कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए फ़ंड आएगा ना, तो हम लोग उसका सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करते थे और उसका एक अलग ही सेट ऑफ लेजर्स चलाते थे कि वो कहीं दूसरों के साथ मिक्स नहीं हो जाए. जब भी उससे जुड़े हुए पेमेंट होते थे तो उसी बैंक अकाउंट से करते थे, तो इससे वो सेग्रीगेशन हो पाता था. हालांकि हम लोग कर रहे थे तो इसका मतलब सबको ही वैसे ही कर रहे थे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन था वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें बहुत सारा रिपोर्टिंग का क्राइटेरियाज़ है, जिसमें ये फ़ंड यूटिलाइजेशन का रिपोर्टिंग का क्राइटेरिया है, जिसमें आपको पीरियोडिकली एक CSS सर्टिफाई करा के एक रिपोर्ट सबमिट करना ही पड़ता है, जिसमें आप बताते हो कि कितना फ़ंड कहाँ से आया था और वो कहाँ कहाँ उसी पर्पज़ के लिए उसी ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ हुआ कि नहीं हुआ. तो इससे बेसिकली पता चलता है कि आप कहीं मिसयूज़ तो नहीं कर रहे ना, आपका फ़ंड मिस अप्रोप्रिएट तो नहीं हो रहा ना. तो उसमें एक डेडलाइन रहता है फ़ंड को स्पेंड करने का, अगर आप उस डेडलाइन तक फ़ंड को स्पेंड नहीं किए तो यू हैव टू रिटर्न बैक द एंटायर फंड एंड देन यू गेट ब्लैक लिस्टेड, देन यू डोंट गेट एनी फंड इन फ्यूचर ऑल्सो बिकॉज यू आर अनेबल टू यूटिलाइज द फंड. सो दिस इज अ चैलेंज इन नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर, एंड दिस हैपन्स ऑल्सो इन यू नो आवर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो, एंड दिस हैपन्स इन दिस पॉलिटिकल डिपार्टमेंट्स ऑल्सो. जैसे गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसमें फंड जाता है, तो उन लोग फंड को मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स के लिए फंड आता है, वो लोग फंड को कॉमन में रख के इधर उधर कर देते हैं, हिसाब मेंटेन नहीं करते. बट क्या, आप अगर अच्छे अकाउंटेबिलिटी से काम करोगे तो पॉसिबल है कि हर एक पर्पज़ के लिए जो फंड आया वो अलग अकाउंट में खुल चला जाए और उस अकाउंट से ही फिर आप सारा स्पेंडिंग करें, तो अकाउंटेबिलिटी ट्रेस होती है, राइट. जैसे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास मान लीजिए जापानीज गवर्नमेंट से फंड आ गया कि आप यहाँ पे मेट्रो रेल को डेवलप कर लो, अब वो रुपया लेके वो रोड डेवलपमेंट में लगा देंगे, फ्लाईओवर में लगा देंगे, और फिर पता चला मेट्रो अटक गया. तो ये सब चैलेंजेस उनके यहाँ पे आते हैं, ओके. और इनके यहाँ पे इतना इजी भी नहीं होता कि बार बार फटाफट बैंक अकाउंट भी खुला लें, ये सब इनके यहाँ बहुत सारा समस्या रहता है. तो ये की चैलेंजेस है, पहले इसको माथा में बैठा के याद कर लीजिए आप पूरा, की चैलेंजेस है इसको पूरा माथा में बैठा के याद कर लीजिए. फर्स्ट इज बेनिफिट्स कैन नॉट बी क्वांटिफाइड. सेकेंड नंबर इज़ ऑल बेनिफिट्स अक्रू इन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म का यहाँ कोई गेम ही नहीं है. थर्ड इज़ देर इज़ डिफ़िकल्टी इन मेजरमेंट ऑफ फंड, फंड मीन्स इनकम कलेक्शन एंड द एक्सपेंडिचर अगेंस्ट द कलेक्शन. एंड लास्टली द ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स. लास्टली द ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स. सो नाउ वी वॉन्ट टू मेजर परफॉर्मेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ सेक्टर ऑल्सो. So to measure, we have certain models. The first model is value for money framework. Second model is adapted balance scorecard. And third one is triple bottom line. Now first one में अपने चल रहे value for money framework, जो तीनों में सबसे ज़्यादा important है exam के angle से भी और obviously understanding के angle से भी. Value for money framework, इसको 3E model भी बुलाते हैं. 3E. पहला ई है इकोनॉमी, दूसरा ई है एफिशिएंसी, तीसरा ई है इफेक्टिवनेस. 3E, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. इफेक्टिवनेस का जो ये चक्कर है ये बड़ा इसलिए रखा है बिकॉज इफेक्टिवनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल थ्री. इफेक्टिवनेस नहीं आया तो इकोनॉमी आ गया, तो एफिशिएंसी आ गया,
तो बेकार है. इफेक्टिवनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल थ्री. इफेक्टिवनेस लाना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. द टर्म इकोनॉमी मीन्स यू हैव टू गेट एवरीथिंग दैट यू आर स्पेंडिंग हियर एट लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट. इकोनॉमी मतलब लो कॉस्ट पे प्रोक्योरमेंट करें अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको. बट लो कॉस्ट का एक ड्रॉबैक है कि इट ब्रिंग्स इन पुअर क्वालिटी ऑल्सो. तो आपको ये बताया जाता है इकोनॉमी में कि लो कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करें. आपको अच्छी क्वालिटी लानी है एट लो कॉस्ट. अच्छी क्वालिटी एट लो कॉस्ट, सो बोथ ऑफ देम आर कॉन्ट्राडिक्टरी. सो इफ़ समबडी आस्क्स मी कि एक ही चुनो लो कॉस्ट की क्वालिटी, तो मैं बोलूँगा ऑफकोर्स क्वालिटी. आई कैन नॉट से लो कॉस्ट, बट वी शुड ट्राई दैट वी गेट क्वालिटी थिंग्स एट लीस्ट कॉस्ट एंड दैट कैन बी डन. जैसे फॉर इंस्टेंस मैं मान लीजिए एक स्कूल चला रहा हूँ, मैं खुद अपना तरफ से एक स्कूल चला रहा हूँ. अब स्कूल में टीचर्स चाहिए, तो टीचर एक रिसोर्स है हमारे लिए. तो अब अच्छे टीचर्स चाहिए, तो जब तक अच्छे टीचर्स नहीं होंगे तो आप उनको इफेक्टिवनेस नहीं दे पाओगे. तो अब अच्छे टीचर्स तो अच्छे दाम पे आएंगे. तो ज़रूरी नहीं है कि अच्छे टीचर्स के लिए अच्छे दाम हमेशा देने पड़ेंगे. मान लीजिए मैं आपके पास ही चला आया, आप लोग स्टूडेंट लोग को ही अपील किया कि आप सब तो ऐसे सी ए क्वालिफाइड हो, ऑलमोस्ट क्वालिफाइड हो ही ऐसा ही मान लो. तो फिर आपका जो नॉलेज है आप कृपया इन छोटे बच्चों के साथ शेयर करो, और आप जैसा क्वालिटी टीचर कोई मिलेगा नहीं. सो एक ही कंडीशन है कि मैं आपको वॉलंटरीली ये चीज़ को करने के लिए बोलूँगा, और आपको एज अ गेस्चर ऑनरेरियम में 100 रुपीज़ पर डे दे दिया करूँगा. 100 रुपीज़ एक ऑनरेरियम आप एक्सेप्ट कर लीजिए और प्लीज़ हमारे बच्चों को पढ़ा दीजिए. तो ये क्या हुआ, आई गॉट द क्वालिटी एट लो कॉस्ट. दिस इज इकोनॉमी. आई गॉट द क्वालिटी टीचर्स एट लो कॉस्ट. गॉट इट. इकोनॉमी इसको बोलते हैं कि क्वालिटी चीज लाओ, बट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर आप रिसोर्स प्रोवाइडर को बताओगे ना, तो वो लो कॉस्ट पे अच्छी क्वालिटी भी दे सकता है. बट जहाँ हम बोलेंगे कि भैया ये स्कूल से ही तो मेरे को कमाना है, मेरे को स्कूल को ग्रो करके अपने आप को वेल्दी बनाना है, तो आप बोलोगे तो अच्छा फिर हम 100 रुपया में पढ़ेंगे, फिर हमको भी तो दिन का 10,000 रुपया चाहिए, तो यू विल चार्ज मी अकॉर्डिंगली. ओके, इन दैट केस द कॉस्ट बिकम्स हायर. इफ से वी कम्युनिकेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू रिसोर्स प्रोवाइडर, इट इज पॉसिबल टू गेट क्वालिटी थिंग्स एट लो कॉस्ट. दिस इज इकोनॉमी. देन देर इज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी मीन्स यू शुड हैव मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम. यू शुड नॉट डू वेस्टेजेस ऑफ एनी काइंड ऑफ रिसोर्स. यू शुड गेट मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम. एफिशिएंसी मीन्स गेट मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम. इट कैन बी लाइक गेटिंग से मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम मिनिमम इनपुट. फॉर इंस्टेंस इन केस ऑफ दैट चैरिटेबल स्कूल वी कैन से दैट वन टीचर शुड बी एबल टू मैनेज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो अगर मैंने ऐसा कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन खोला जिसमें बच्चों को पढ़ाना है, और फिर एक एक बच्चों के पीछे आप जैसे जो यंग वाइब्रेंट टीचर्स हैं वो इतने उत्साहित हो गए, इतने एक्साइटेड हो गए कि सर हम भी, और हम सबको ले लिए, तो पता चला टीचर स्टूडेंट रेशियो हो गया 1:1. भले ही आप लोग वॉलेंटरली आ रहे हो, आप लोग 100 रुपया भी नहीं ले रहे, बोले सर हमको 100 रुपया भी नहीं चाहिए, बट आप हमें ले लीजिए, हमें भी आपके साथ सेवा करनी है. तो टीचर स्टूडेंट रेशियो हो गया 1:1. इतने तो टीचर आ गए और इतने स्टूडेंट हो गए, तो ये फिर एफिशिएंसी की बात नहीं हुई ना. तो देर शुड बी रीजनेबल टीचर स्टूडेंट रेशियो. मे बी 1:10 हुआ या फिर 1:20 हुआ. नॉर्मल अपने स्कूलों में 1:40 होता है. तो यहाँ पे आप उन अंडर प्रिविलेज को पढ़ा रहे हो, उनको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, तो आप 1:10 कर लो, 1:15 कर लो, बट 1:1 का क्या दरकार है. ठीक है. सो दिस इज एफिशिएंसी अबाउट. एफिशिएंसी इज ट्राइंग टू मेक बेस्ट यूज ऑफ वॉट एवर रिसोर्स यू हैव. तो पहले तो रिसोर्स को लेके आना है सस्ते से सस्ते पर, और फिर रिसोर्स को पूरा यूटिलाइज भी करना है. ऐसा नहीं हो कि वो रिसोर्स एक्स्ट्रा हो जाए. ओके. एंड लास्टली इट इज़ अबाउट इफेक्टिवनेस. दैट इज वेदर यू आर एबल टू अकम्प्लिश योर ऑब्जेक्टिव और नॉट. इफेक्टिवनेस मीन्स यू आर एबल टू अकम्प्लिश योर ऑब्जेक्टिव और नॉट. Objective accomplishment is very, very important, and that can come by doing survey with our students. जैसे हमारे students, अगर ये मान लीजिए हम लोग इनके साथ कुछ इनके parents के साथ survey करें तो हमें पता चल जाए.
अब दूसरा हो सकता है ये ड्रॉप आउट कर रहे हैं, आ ही नहीं रहे, स्कूल बुलाने जा रहे तो भी नहीं आ रहे, तो अगर आ ही नहीं रहे तो समझ लो इफेक्टिवनेस नहीं आ रहा है। अगर उनको मज़ा आ रहा है, दे आर लर्निंग समथिंग एंड दे आर कमिंग एवरी डे, तो इफेक्टिवनेस है। सो सेटिस्फैक्शन रेशियोज आपको पता करने पड़ते हैं, वो रेटिंग ले सकते हो आप 1 to 10 में, उनको उतना बुद्धि नहीं आएगा तो वो आप वैसे चेक कर सकते हो ना कि रेटिंग वेटिंग उनसे क्या समझोगे। तो वो आ रहे हैं तो वही सही, अटेंडेंस सही चल रहा है कि अटेंडेंस रोज कितना आ रहा है, स्ट्रेंथ कितना आउट ऑफ कितना अटेंड कर रहे हैं, उससे पता चल जाएगा कि इफेक्टिवनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। करेक्ट। सो इफ थ्री ऑफ देम आर टुगेदर वर्किंग कंटिन्यूअसली, वी ट्राइव टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो इकोनॉमी को आप पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू प्रोड्यूस क्वालिटी आउटपुट एट लोवेस्ट कॉस्ट बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। इसको मेजर करने के लिए आप एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ले सकते हो। एफिशिएंसी इज मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम इनपुट एंड देयर बाय रिड्यूसिंग वेस्टेज। सो व्हाट एवर रिसोर्स यू हैव गॉट, यू शुड नॉट वेस्ट इट। फॉर दैट यू कैन टेक इनपुट आउटपुट रेशियो। इन केस ऑफ स्कूल इट कैन बी टीचर स्टूडेंट रेशियो। ओके। इन केस ऑफ हॉस्पिटल इट कैन बी डॉक्टर पेशेंट्स रेशियो या नंबर ऑफ पेशेंट्स ट्रीटेड बाई अ डॉक्टर। यू कैन राइट मोर। ओके। लाइक एग्जाम्पल हो गया टीचर स्टूडेंट्स रेशियो, टीचर स्टूडेंट्स रेशियो, वैसे ही हो गया डॉक्टर पेशेंट्स रेशियो, डॉक्टर पेशेंट्स रेशियो। वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क में नवंबर 2019 में क्वेश्चन आया था, फर्स्ट क्वेश्चन वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क का था, उसमें डॉक्टर पेशेंट्स रेशियो। ओके। नेक्स्ट, इफेक्टिवनेस में आपको बेनिफिशियरी सेटिस्फैक्शन रेट, बेनिफिशियरी मतलब जिनके लिए अपने काम कर रहे हैं, जैसे कि वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि वो आप समझो पेशेंट्स हो सकते हैं जिसके लिए अपने काम कर रहे हैं, दोज आर बेनिफिशियरी। स्टूडेंट्स हो सकते हैं, पेशेंट्स हो सकते हैं, उनका सेटिस्फैक्शन रेट। अब आप सेटिस्फैक्शन रेट का कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो, आप उतना उनसे सर्वे ले नहीं पा रहे हो, या वो उतने समझदार नहीं कि आपको वो सब डिटेल्स दे पा रहे हैं। तो आप जैसे स्कूल में आप चेक कर सकते हो अटेंडेंस, रेगुलर अटेंडेंस, और हॉस्पिटल है तो आप चेक कर सकते हो री एडमिशंस, जैसे आपका पेशेंट बीमार होके आया था, ठीक हो गया, फिर वापस एडमिशन होने आ गया कि वही बीमारी फिर पकड़ ली, री एडमिशन रेट। इसका मतलब पहली बार ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हुआ। तो ऐसे कुछ तरीके से आप इफेक्टिवनेस मेजर कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आपका केस स्टडी आ रहा है एग्ज़ाम में, तो केस स्टडी से पढ़ पढ़ के आपको अपना कुछ कुछ एक एक लाइन यहाँ पे एड ऑन करना पड़ेगा। ये तो जनरल बातें हैं, बट केस स्टडी से भी कनेक्ट करके आपको यहाँ पे एक एक दो दो लाइन ऐड करना होगा। खाली मेरे से सीखने का क्या है कि केस स्टडी का मॉडल आंसर्स पढ़ पढ़ के घबरा नहीं जाना कि इतना बड़ा लिखना होगा। आप एकदम कट शॉर्ट छोटा छोटा लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप सारा एस्पेक्ट्स को कवर करिए। आप अगर दो ही लिखेंगे नहीं चलेगा, आपको वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क लिखना है, मतलब तीनों लिखना है। आप बिना केपीआई के आंसर लिख कर आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको केपीआई जरूर लिखना है। केपीआई मतलब जैसे कि मैंने ये सब एग्जाम्पल्स आपको दिए। ओके। चलिए नेक्स्ट आ रहा है अडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच। नाउ बैलेंस स्कोर कार्ड तो हमने सीखा ही है, जिसमें चार पर्सपेक्टिव होते थे, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस एंड लर्निंग एंड ग्रोथ। नाउ अडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड, मिस्टर रॉबर्ट कैपलन जिन्होंने बैलेंस स्कोर कार्ड लिखा, उन्होंने खुद ने ऑब्जर्व किया कि मैंने तो जो पहली बार लिखा वो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिखा, अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुझे लिखना है, तो यहाँ पे बैलेंस स्कोर कार्ड का फ्लो थोड़ा सा चेंज होगा। उसको अडेप्ट किया, मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और चेंज क्या किया कि बोले कि यहाँ पर पहला पर्सपेक्टिव फाइनेंस नहीं हो सकता। नॉर्मली बैलेंस स्कोर कार्ड में पहला पर्सपेक्टिव फाइनेंस ही होता है, वो फिक्स है कि फाइनेंस क्या चाहिए और फाइनेंस जो अवेलेबल है उसके हिसाब से बाकी तीन पर्सपेक्टिव में काम करने का आइडियाज़ लाते हैं हम लोग, कस्टमर के लिए, इंटरनल बिजनेस के लिए, लर्निंग एंड ग्रोथ के लिए। जब काम करना है तो उसके लिए भी तो फाइनेंस चाहिए ना, तो फाइनेंस सबसे पहले था, बट यहाँ पर पहला पर्सपेक्टिव हो जाता है कस्टमर, कस्टमर यानी कि बेनिफिशियरी जिनके लिए आप ये ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हो, तो उनके उनके लिए आप क्या क्या करना चाहते हो वो सबसे पहले सोचना है, उनको आप कैसे लाओगे ये सोचना है, और फिर उनको जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए फाइनेंस अरेंज करना है। और यहाँ पे फाइनेंस का मतलब है कि आप डोनेशंस और कंट्रीब्यूशंस कलेक्ट करोगे, तो
ओके फंड रेजिंग करोगे एंड देन उसको लेकर इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, यानी कि बिजनेस वर्ड यहाँ नहीं जमता है, इंटरनल प्रोसेस पे काम करोगे कि क्या क्या वे से आप एक्चुअली उनके लिए काम करने वाले हो. उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिएंगे जो आप अगेन वो इकोनॉमी और एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए यूज़ करोगे. यहाँ पे इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी को आप इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कि लीस्ट कॉस्ट पे रिसोर्सेज आने चाहिए बेस्ट क्वालिटी के, और फिर रिसोर्स यूटिलाइजेशन में वेस्टेज भी नहीं होना चाहिए, और एक आप प्रोसेस डेवलप करो कि आप इस तरह से सिक्वेंशली एक एक काम को करने वाले हो. और लास्टली आपको इनोवेशन एंड लर्निंग पे भी ध्यान देना है, एज इन कि आप इनोवेशन एंड लर्निंग में मैंने आपको तीन चीज़ बताया था कि हम लोग एक एम्प्लॉई पे काम करते हैं, दूसरा हम लोग यहाँ पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं, इंफ्रा पे, और तीसरा हम लोग सिस्टम्स एंड पॉलिसीज़ पे काम करते हैं, सिस्टम एंड पॉलिसीज़ पे काम करते हैं, प्रोसीजर्स पे काम करते हैं, जिससे हमारी कैपेबिलिटीज़ बढ़े. अल्टीमेटली आवर कैपेबिलिटीज शुड ग्रो, ओके, सो दैट वी कैन हैंडल मोर एंड मोर ऑफ सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स. प्रोजेक्ट्स बोलते हैं यहाँ पे एक एक प्रोजेक्ट को हम लोग कर पाएँ इजिली, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो उसके लिए आपको अगर कोई टेक्नोलॉजी चाहिए तो आप उसका इस्तेमाल करिए, ओके. बहुत सारे आजकल एनजीओज हैं जो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर करके समाज का मदद कर रहा है, तो आप वैसा कुछ डेवलपमेंट करें तो आपको क्या होगा, फिर फंड रेजिंग ईजी होगा. अब आप सोचेंगे नॉर्मली आदमी का दिमाग कैसे चलता है, बोलता है अगर मैं ये काम करूँगा तो फंड रेज होगा तो अपना क्या बचेगा. देखो भाई साहब, अगर अपना बचाने का सोचना है तो फिर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोलो ना. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग जुड़ते हैं वो अपना बचाने का कुछ नहीं सोचते. तो फिर आप बोलेंगे तो सर उनका घर कैसे चलेगा, तो वो ऑब्वियसली वही लोग नॉट फॉर प्रॉफिट में जाते हैं जिनका घर चलाने का कोई टेंशन नहीं है. ये बात एकदम कान में अंदर तक घुसा के याद रख लीजिएगा. सेवा करने का मन बहुत लोगों का होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना. इंसान है ना, इंसान का एक बेसिक नेचर है, भगवान ने दिया है, गॉड गिफ्ट है, कि एवरी वन लाइक्स टू सर्व अदर्स, बट टू सर्व अदर्स यू नीड मनी, एंड फॉर गेटिंग दोज मनी फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सेक्रीफाइस ऑल योर यू कैन से ड्रीम्स ऑफ अर्निंग मोर. अर्निंग को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. पहला बेसिक करेक्शन अपना लाना पड़ेगा माइंड में कि मेरा जो सपना है बहुत कमाने का, वो कमाने का सपना को भूल जाना होगा, तब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है. जो बहुत कमा चुके हैं वो करते हैं, या फिर ऐसे लोग करते हैं जिनको कमाने का कोई इच्छा नहीं है, जो मिल गया बचा हुआ उसमें ही चला लेंगे. मतलब जैसे आप वॉलंटियर को पेमेंट करते हो तो आप अपने आप को भी पेमेंट कर लेना थोड़ा सा वही लीस्ट कॉस्ट पे. जैसे वॉलंटियर खा पी के चला रहे वैसे आप खा पी के चलाओगे तो वो चलेगा. और या फिर आप जैसे कोई बहुत ऑलरेडी कमा चुके हो, हमारे अंबानी साहब जैसा, तो आप इतना कमा चुके हो कि अब आप नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए सब कर देते हो बिना लालच के. अपना लिए कुछ नहीं बचाना है, जो आएगा वो खर्च कर देना है, राइट. अपना बचाने का सोचना है तो आपको नॉट फॉर प्रॉफिट में नहीं जाना चाहिए. कई लोग करते हैं ऐसे, धांधली भी वर्ल्ड वाइड सुनने में आता है, ओके, बट वो सब ऑर्गेनाइजेशन कभी टिकता नहीं है, ओके. नॉट फॉर प्रॉफिट के नाम पर आप अंदर में प्रॉफिट करोगे तो इंटेग्रिटी क्वेश्चनेबल हो जाती, ठीक है. चलिए, गुड. सो अडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड में अगर मैं पूछूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड एंड नॉर्मल बैलेंस स्कोर कार्ड, नॉर्मल बैलेंस स्कोर कार्ड इज़ फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड अडेप्टेड इज फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. इन अडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड द कस्टमर परस्पेक्टिव इज कमिंग फर्स्ट, वेयर एज इन नॉर्मल बैलेंस स्कोर कार्ड द फाइनेंशियल परस्पेक्टिव कम्स फर्स्ट. यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिप्लेसेस फाइनेंशियल इन द फर्स्ट परस्पेक्टिव हियर. सो एवरीथिंग स्टार्ट विथ देम ओनली, कस्टमर सेटिस्फैक्शन से ही सब कुछ स्टार्ट होगा. So you can read whatever is written aside customer perspective and financial perspective and internal business perspective and innovation learning perspective. Okay. Next, lastly, it is triple bottom line. So triple bottom line is a reporting framework. Like balance scorecard bhi aapka ek reporting framework ban gaya hai ki aap apne stakeholders ko bata rahe ho ki dekho humne is
सेक्टर में काम किया, कुछ लोग बैलेंस स्कोर कार्ड में इन्वायरमेंट को भी इन्वॉल्व कर देते हैं, ठीक है चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है बैलेंस स्कोर कार्ड में चार है तो चार ही लिखना होगा, पाँचवा नहीं लिख सकते, यू कैन राइट दैट, नॉट अ प्रॉब्लम। ट्रिपल बॉटम लाइन एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आपको बोल रहा है कि व्हेन यू आर रिपोर्टिंग टू योर स्टेक होल्डर्स यू कैन राइट अबाउट थ्री थिंग्स, वन इज सोशल, अनदर इज इकोनॉमिकल एंड थर्ड इज एनवायरमेंटल। तीन चीज पे लिख सकते हो, सोशल, इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल। आइडियली हम लोग रिपोर्टिंग खाली इकोनॉमिकल आस्पेक्ट से करते थे, यानी फाइनेंस का रिपोर्टिंग करते थे, बट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खाली फाइनेंस पे शॉर्ट टर्म में ही चल सकता है, लॉन्ग टर्म में यदि उसको अपने आप को सस्टेन करना है, इवन इट इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ओके, उनको नॉन फाइनेंशियल पे काम करना ही पड़ेगा, ये अपने सीखेंगे। कुछ मजबूरियाँ हैं CSR वाली भी, तो करना ही पड़ता है, CSR से फोर्सिबली करते हैं, बट अगर आप बिना फोर्स के करो तो आप ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हो। सो अगर हम ये अपने स्टेक होल्डर्स को बताएं कि हम आपके लिए और कितना कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम आवर फाइनेंस, तो वो थोड़ा सा और आपसे अटैच्ड होता है, आपका आपके ऊपर ट्रस्ट गेन करता है और वो आपके साथ बना रहता है, हर तरह का स्टेक होल्डर आपके साथ बना रहता है, बी इट योर एम्प्लॉयज़, बी इट योर कस्टमर्स, बी इट योर फ्यूचर कस्टमर्स, ओके, बी इट द इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स जो आपके बारे में ब्रांडिंग करते हैं बाहर में, दूसरों को बताते हैं, मीडिया वाले वगैरह वगैरह, तो ये सब कहीं ना कहीं हमें फिर सपोर्ट करते हैं यदि हम फाइनेंस के अलावा दूसरे आस्पेक्ट पे भी काम कर रहे होते हैं। सो दूसरा आस्पेक्ट जैसे एनवायरमेंट, अब एनवायरमेंट में हम लोग जब बात करेंगे तो वी कैन राइट अबाउट दैट हाउ वी हैव वर्कड टू प्रोटेक्ट द एयर पॉल्यूशन, ओके, टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन, टू रिड्यूस द वेस्टेजेस, देन हाउ वी यूज वाटर। मैनी टाइम्स यू नो आई हैव सीन इन सम होटल्स दैट दे राइट दैट एवरी डे हम लोगों के होटल में इतना पानी कंज्यूम होता है, बट हमने ये पानी हमेशा रिसाइकल किया है, हमने कहीं से भी यू नो नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट नहीं होने दिया अपने बिजनेस करने के लिए। सो दैट इज़ देयर एनवायरमेंटल इनिशिएटिव, ओके, सो दे हैव सम टेक्नोलॉजी वेयर बाई दे रिसाइकल द वेस्ट वाटर फॉर रीयूजिंग, ओके, जैसे होटल में पीने का पानी कभी भी है ना, इसीलिए ये जब मैं पढ़ा पहली बार कि पानी को रिसाइकल किया है, मतलब बाप रे बाप, ऐसा प्लांट लगा रखा है, इसका मतलब कभी भी भूल चूक से भी वो पानी जो वहाँ पे बहता है उसको मुंह में नहीं लेना चाहिए, मेरे को ऐसा लगा कि ये रिसाइकल्ड वाटर है, सो क्या मालूम कितने केमिकल से गुजरता हुआ, कितना इसका इनपुट में विजुलाइज करा था, कितना डर्टी इनपुट रहा होगा और आउटपुट में साफ पानी फ्लो में आ रहा है टैप से, तो इवन ब्रश करने के लिए भी उसको मुंह में नहीं लेना चाहिए। मैं तो एकदम फिक्स भैया, सब कुछ जहाँ पे ऐसा नोटिस देख लेता हूँ मैं तो तुरंत यही समझता हूँ कि सब कुछ मिनरल वाटर से ही करना है, करेक्ट। सो एनीवेज ये मेरी धारणा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी ऐसा करो, मैं ऐसे समझता हूँ, बट थिंग इज यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन द टेक्नोलॉजी, ओके, नाउ डेज यू नो इवन इन सम सिटीज वाटर फ्लो इज नॉट देयर रेगुलरली, सो वॉट दे डू इज दे जस्ट रिसाइकल ऑल द वेस्ट वाटर यूजिंग टेक्नोलॉजी, एंड वही पानी पीना है फिर उनको, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इवन केंट का एक ऐड भी आता था, आपने देखा होगा कि जो आदमी ऐड में दिखा रहा है वो एक गंदा सा पानी को उठाया, उसको केंट प्यूरीफायर में डाला और एकदम साफ पानी आया, उसको पी के दिखा दिया। तो ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए यू कैन राइट अबाउट ऑल दिस स्टफ्स, वी आर जस्ट सेइंग कि आप जब एनवायरमेंट के बारे में बात करें यू कैन राइट अबाउट हाउ कंपनी हैज़ प्रोटेक्टेड द एयर, हाउ कंपनी हैज़ रिड्यूस द वेस्ट, हाउ कंपनी हैज़ ट्रीटेड द वाटर, एंड हाउ कंपनी हैज़ ट्रीटेड द लैंड, ओके। सोशल में वेन वी आर राइटिंग यू कैन राइट अबाउट कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉरपोरेट गवर्नेंस इज वन सिंगल बॉक्स, ओके, ये एक ही बॉक्स होगा कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब है कि हम लोग एथिकली बिजनेस को चलाते हैं, हम लोग इंटेग्रिटी ऑनेस्टी मेंटेन करते हैं, हम टाइम पे टैक्स पेमेंट भी कर देते हैं, हम गवर्नमेंट से कोई पंगा नहीं लेते, ब्राइब ना लेते हैं, दोज आर कॉरपोरेट गवर्नेंस। देन सेफ्टी हम लोग मेंटेन करते हैं एम्प्लॉयज़ की, हमारे यहाँ जो कस्टमर्स आता है उनका भी सेफ्टी का खास ध्यान रखते हैं, एथिक्स फॉलो कर ही रहे हैं। कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स आर क्वाइट कनेक्टेड, एथिक्स आर बेसिकली मॉरल साइंस, बेसिकली द रूल्स दैट वी डिफाइन एज पर ह्यूमैनिटी, नथिंग एज पर लॉ, दैट इज एथिक्स, ओके।
हेल्थ के ऊपर, सोसाइटी का हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो दीज आर सम सोशल एस्पेक्ट्स. देन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक इज़ वॉट, इकोनॉमिक इज़ यू आर टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंस विच इज़ फाइनेंशियल इन नेचर, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लोज, सेल्स, रेवेन्यू, दोज आर ऑल इकोनॉमिक. एग्ज़ाम में अभी ट्रिपल बॉटम लाइन पे जो क्वेश्चन आया है वो कैसा आया है, उधर कुछ नाम दिया हुआ है कि कंपनी ने ये मेजर्स पे काम किया, आप क्लासिफाई करो कि वो एनवायरमेंटल है कि सोशल है कि इकोनॉमिकल है. इवन नवंबर 19 में एक छोटा सा 5 मार्क का क्वेश्चन आया था, उसमें कुछ कुछ नाम दिए हुए थे कि कंपनी ने सोचो अपने एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए एक हॉस्पिटल खोल दिया, एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए हॉस्पिटल खोला, तो ये ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क में किस कैटेगरी में क्लासिफाई करोगे, तो आंसर है सोशल में. ओके, कंपनी ने ज़ीरो प्रिंटिंग पॉलिसी अपने कंपनी में इम्प्लीमेंट कर दी, ज़ीरो प्रिंटिंग पॉलिसी. अब ज़ीरो प्रिंटिंग पॉलिसी आप बोलेंगे इसमें तो कॉस्ट कटिंग हो गया, ये तो फाइनेंस हो गया, नहीं. ज़ीरो प्रिंटिंग पॉलिसी मतलब आपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया, डिफॉरेस्टेशन को प्रोटेक्ट किया, अब आप पेपर कम यूज़ करोगे तो एनवायरमेंटल हो गया वो. समटाइम्स सम मेजर्स कैन फॉल इनटू बोथ, समटाइम्स इट कैन बी कंफ्यूजिंग, इन दैट केस देयर इज अ रिस्क. एग्जाम में आपको एक ही लिखना है और तुक्का भिड़ा तो मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. समटाइम्स इट मे हैपन. ओके, और नेक्स्ट आ रहा है ट्रेडिशनल और ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क में डिफरेंस क्या है. ये एक केस स्टडी क्वेश्चन है इसके ऊपर आपके इंस्टीट्यूट मैट में, जिसका सार मैं यहाँ पे आपको इस टेबल में बता दे रहा हूँ. ये केस स्टडी क्वेश्चन का पूरा एक सारांश है, आप उसका डिटेल्ड केस स्टडी वहाँ पे देख सकते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन पे, जिसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क एंड ट्रेडिशनल अकाउंटिंग. ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में हम लोग सिर्फ एक ही स्टेक होल्डर के लिए काम कर रहे हैं जो है शेयर होल्डर, एंड ट्रिपल बॉटम लाइन में हम लोग सारे स्टेक होल्डर्स के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें है आपका शेयर होल्डर, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़ एंड इवन सोसाइटी हु इज़ नॉट करेंटली आवर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. ओके, सो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में खाली फाइनेंशियल पे काम कर रहे हैं, और ट्रिपल बॉटम में फाइनेंशियल के साथ साथ सोशल और इन्वायरमेंटल पे भी काम कर रहे हैं. फाइनेंशियल को सिंगल बॉटम लाइन बुलाते हैं, और ट्रिपल बॉटम लाइन को ट्रिपल क्यों बुलाते हैं, क्योंकि ये तीन एरिया पे काम कर रहे हैं. नेक्स्ट आ रहा है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ही खाली ट्रेडिशनल में हम लोग रिपोर्ट करते हैं. ट्रेडिशनल अकाउंटिंग यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग जो कॉस्ट लगा उसी को हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, बट ट्रिपल बॉटम लाइन में हम लोग अपना कॉस्ट के साथ साथ सोसाइटी का जो कॉस्ट होता, जो अभी मे बी हमने बियर कर लिया या हमने सोसाइटी का कितना का सेविंग्स कराया, उसका भी रिपोर्टिंग करते हैं. मतलब बाई यू नो से प्रोटेक्टिंग एयर, व्हाट सेविंग्स वी ब्रॉट टू द सोसाइटी, बाई प्रोटेक्टिंग वाटर, व्हाट सेविंग्स वी ब्रॉट टू द सोसाइटी, सो दैट अमाउंट कैन ऑल्सो बी रिपोर्टेड, विच वी कॉल एज ट्रू कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. दैट कैन बी एक्चुअली अ कॉस्ट दैट इज़ बोर्न बाई अस एज वेल एज द सोसाइटी. तो सोसाइटी का कॉस्ट और हमारा कॉस्ट को मिला के ट्रू कॉस्ट या इकोनॉमिक कॉस्ट भी बुलाते हैं हम इसको, वो हम रिपोर्ट करना चाहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हो रहा है ट्रेडिशनल में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे फोकस है, बट ट्रिपल बॉटम लाइन में सस्टेनेबिलिटी और ओवरऑल स्ट्रेटजी पे फोकस है. ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में मटीरियलिटी इज कॉन्सेप्ट चलता है, जिसमें आप फाइनेंशियल टर्म्स में देखते हो कि अमाउंट छोटा है तो उसको क्या रिपोर्ट करना, बट ट्रिपल बॉटम लाइन में ऐसा कोई मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, आप जो चाहे वो रिपोर्ट कर सकते हो. ट्रेडिशनल अकाउंटिंग पूरा फ्रेमवर्क इसका एस्टैब्लिश्ड है, जैसे कि IFRS है, IND AS है, कैसे करना है सब कुछ रिटन है, वेल रिटन एवरीवेयर, बट ट्रिपल बॉटम लाइन उतना स्टैब्लिश नहीं है. ऑल दो इसको स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, एक कॉन्सेप्ट आया है GRI बोलकर, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव बोलकर, जिसमें जो भी बड़ी कंपनीज हैं उनके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है कि आप अपने एनुअल रिपोर्ट में GRI में जो जो बातें लिखी गई है उसके बारे में भी रिपोर्ट करें. वैसे सेबी ने उसको अडॉप्ट करके एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, जिसको अपने बोलते हैं BRR, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट. सेबी ने निकाला है अपने इंडिया में कि हर लिस्टेड कंपनी को अपने एनुअल रिपोर्ट में BRR में जो पॉइंट्स बताए गए उस पर भी आपको रिपोर्ट करना है, विच इज़ नथिंग बट बेसिकली अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन, जिसमें आप अपने फाइनेंशियल के साथ साथ सोशल और इन्वायरमेंटल के लिए क्या क्या काम किए वो भी बताइए. सो इससे क्या होता है, बेसिकली सेबी भी चाहता है ना कि इन्वेस्टर्स का फेथ कंपनी के प्रति बढ़े, तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो फिर इकोनॉमी ग्रो करेगा. सो दैट्स हाउ थिंग्स एक्चुअली आर हैंडल्ड इन सेबी लेवल. सो
दिस इज ट्रिपल बॉटम लाइन वर्सेस ट्रेडिशनल अकाउंटिंग। सो ये छः छः पॉइंट है, आराम से आप इसको टेबुलेशन में कोई लिखने नहीं जाएंगे, केस स्टडी का क्वेश्चन पैराग्राफ फॉर्म में लिखा जाएगा। तो पॉइंट नंबर वन में आप पहले ट्रेडिशनल का बात ये वाला बताएंगे, फिर उसी में एक ट्रिपल बॉटम लाइन का बताएंगे, फिर पॉइंट नंबर टू, फिर पॉइंट नंबर थ्री में ट्रेडिशनल का एक बात, फिर ट्रिपल बॉटम लाइन का एक बात, करते करते आप छः पैराग्राफ आराम से अपने आंसर में लिख के आ सकते हो। ओके, केस स्टडीज़ को लेकर एकदम सिंपल सा यदि आपको बताऊं कि केस स्टडी कैसे हैंडल करेंगे एग्ज़ाम में, केस स्टडीज इज सच अ बिग फियर फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज दे हैव नॉट डन दिस काइंड ऑफ केस स्टडी क्वेश्चंस एवर। ओके, सी ए न्यू सिलेबस में जो केस स्टडी आने लगा है वो घबराहट पैदा कर रहा है बच्चों के मन में कॉस्टिंग पेपर में कि सर कैसे होगा। पहला चीज ये मान लो केस स्टडी, पहला चीज माइंड को ऐसा तैयार कर लो, पहले ही मन में बोल दो केस स्टडी बहुत आसान। जिस चीज़ को आप आसान घोषित कर देते हो, अनाउंस कर देते हो, वो आसान हो ही जाता है। केस स्टडी क्या है? बहुत ईजी है, पहले यही माइंड में मान लो, बैठा लो, केस स्टडी सबसे ईजी चीज़। उसको हार्ड बोलकर आप उसका रेटिंग ख़राब करोगे तो हर समय जो केस स्टडी आएगा वो ऊपर से जाएगा। पहले बोलेंगे केस स्टडी माने बहुत आसान चीज़, एक सबसे ईजी चीज़ जो कॉस्टिंग पेपर में डाला हुआ है वो है केस स्टडी, सबसे आसान। आपने जो केस स्टडी का रूप देखा है आपको बता दूं वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, सीए का जो केस स्टडी डाला जा रहा है वो कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल एग्ज़ाम कोई भी देंगे आप, चाहे सीएफए दीजिए, चाहे सीमा दीजिए, चाहे सीपीए दीजिए, चाहे एसीसीए दीजिए, केस स्टडी का असली रूप वहाँ देखने को मिलता है। केस स्टडी उधर आता है, वहाँ पे जो बच्चा बच्चा केस स्टडी है ना वो सब आपका फाइनल लेवल में डाला गया, उधर का बच्चा बच्चा केस स्टडी आपका यहाँ पे डाला गया। असली केस स्टडी देखोगे ना माथे के बाल झड़ने लग जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। मैं आपको अपने सीमा एग्ज़ाम का एक केस स्टडी का रूप बताता हूँ, मैंने कई बार अपने रेगुलर कोर्स में भी स्टूडेंट्स को बताया है। जब मैंने सीमा ये लंदन का कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें एक लास्ट पेपर होता है, पूरा उसका पेपर का नाम ही केस स्टडी पेपर। उसका केस स्टडी 30 पेज का होता है, एक क्वेश्चन 30 पेज का, जो वो लोग एग्ज़ाम के दो महीना पहले ही वेबसाइट पे छोड़ देते हैं, बोलते हैं जाओ दुनिया में, जिससे पूछना है पूछो, जिससे समझना है समझो, जो किताब लेना है ले लो, लेके पढ़ लो। ओके, 30 पेज का केस स्टडी पहले ही रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो अपना कुछ नहीं ले जा सकते, वो 30 पेजेस हमें मिलता है, उसके अलावा 2 से 3 पेज वो लोग वहाँ पर एड ऑन कर देते हैं, जिसके कारण पूरा कहानी ही चेंज हो जाता है। जो सोच के आए थे और यहाँ पे जो हो रहा है वो अलग ही हो जाता है। फिर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो एक ही केस स्टडी से जुड़े हुए होते हैं, पूरा 30 और इधर 2-3 पेज मिलाकर, जिससे 100 मार्क का छोटा छोटा क्वेश्चंस निकाल के पूछा जाता है, जो 10-10 मार्क का 10 क्वेश्चन हो सकता है या जैसा भी उनका पैटर्न हो। ओके, और अब आपको उसका आंसर लिखना है मोर इन द लाइट ऑफ द करेंट 3 पेजेस दैट हैज बीन गिवन एंड लेस एंड बट डेफिनेटली इंक्लूडिंग सम रेफरेंस ऑफ दोज 30 पेजेस ऑल्सो एंड ट्राई टू ऑल्सो इंक्लूड, उधर कंडीशन लगाया जाता है द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस केस स्टडी इफ़ यू हैव एनी प्रिपरेशन फॉर दैट। तो 3 पैरामीटर पे लोग चेक करते हैं कि आपने करेंट वाला को यूज़ किया कि नहीं, पुराना 30 पेज को यूज़ किया कि नहीं, और रियल वर्ल्ड का केस स्टडीज़ को आपने यूज़ किया कि नहीं किया। 3 पैरामीटर को चेक करते हैं और उसके बाद वो चेक करते हैं कि आपका हर क्वेश्चन का आंसर किया हुआ है कि नहीं, और हर क्वेश्चन का, हर रिक्वायरमेंट का जो पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स, उसको आपने टच किया है कि नहीं। एक एक को बड़ा लिख दिया, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, हर एक एरिया को टच किया कि नहीं। तो केस स्टडी का पहला बेसिक रूल यही होता है, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड वट एवर इज गिविंग टू यू इज़ वेरी इजी, सेकेंड नंबर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेन यू आर डूइंग केस स्टडी यू कैन नॉट राइट लेंथी आंसर्स, डू नॉट राइट लेंथ्स। ओके, Do not write in length, हमेशा short लिखोगे, जो आपका institute mat में दिया हुआ आप उसको अगर model answer मान लोगे और उसी को replicate करोगे तो फंस जाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे। आपको अपने हिसाब से short में लिखना है, cover each keywords, each आप सोच सकते हैं keywords बोल सकते हैं या key points बोल सकते हैं, जो भी keywords आपके model को refer करना है, यदि फॉर द मॉडल टू बी रेफर्ड, जैसे वैल्यू फॉर मेनी फ्रेमवर्क को रेफर करना है, जैसे परफॉर्मेंस
प्रिज्म को फॉलो करना है, जैसे बैलेंस स्कोर कार्ड को रेफर करने बोल दिया, तो जिसको भी रेफर करने बोला है, जैसे DMAIC को रेफर करने बोल दिया, तो जिसको भी रेफर करने बोल रहा है, जैसे कि बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग को रेफर करने बोल दिया, तो आपको उसके जो बेसिक बातें हैं, की वर्ड्स हैं, फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल रीडिजाइन, ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट, वो बेसिक बातें आपको उसमें डालनी डालनी है। अगर आप वो नहीं डालेंगे तो आपका मार्क्स कम हो जाएगा। और जो भी बेसिक बात डालोगे उसमें कोशिश करो, ट्राई एज मच टू कनेक्ट वन टू लाइन, टू कनेक्ट वन टू लाइन फ्रॉम द केस स्टडी इन योर की पॉइंट्स, वन टू पॉइंट्स फ्रॉम केस स्टडी गिवन क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन इन योर आंसर, इन योर की पॉइंट्स। की पॉइंट्स लिखते वक्त अपना केस स्टडी में से एक एक दो दो पॉइंट खोज खोज के उसमें अटैच करने का कोशिश करो। और हो सके तो कोई बाहर का भी एग्जाम्पल आपको क्लिक कर रहा है तो वो भी आप लिख सकते हो, बट इंस्टीट्यूट ने ऐसा कभी लिखा नहीं है अभी तक अपने आंसर्स में, बट आप लिख सकते हो, मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत नहीं है, बट क्यों लिखना है अननेसेसरी। राइट वेरी लिमिटेड बट कवर ईच एंड एवरी पॉइंट, दैट इज ओनली केस स्टडी अबाउट। एक बार एक या दो केस स्टडी खुद से लिख के देखो ना तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने सीमा का एग्ज़ाम आपको पता है फाइनल लेवल वाला दो बार दिया, पहला बार नहीं हुआ, दूसरी बार हुआ। पहला बार क्यों नहीं हुआ पता है? क्योंकि मैं जस्ट आप जैसे पढ़ते हो ना वैसे ही पढ़ा, मतलब बुक था सामने में, पढ़ता गया पढ़ के चला गया, लिख के नहीं गया। तो जैसे एग्ज़ाम हॉल में गया ना तो एक कॉलीग मिल गया, वो बोला कि आप कैसे पढ़े, मैं बोला मैं तो ऐसे पढ़ के आया, बोला आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया, मतलब अपने आप एक बार लिख के नहीं देखा, मैं बोला नहीं, मेरे को तो ऐसा कोई गाइड भी नहीं किया कि लिखना भी पड़ता है, कहीं मैंने ऐसा पढ़ा भी नहीं। तो बोले कि बहुत बड़ा चैलेंज है केस स्टडी का पेपर, ये बिना लिखे होता नहीं है कम्प्लीट, चलो ऑल द बेस्ट। अब ये बोल दिया तो ऐसे ही मन में डर बैठ गया कि मैं तो किया नहीं, अब ऑल द बेस्ट बोल के भी चला गया तो ऑल द बेस्ट अब लग नहीं रहा, अब लग रहा है कि मेरा तो किया हुआ नहीं, मैं तो पूरा डिमोटिवेटेड ही हो गया था। बट फिर भी मैं कोशिश किया तो मेरे को समझ में आया कि उस बंदे ने सही बात बोली, मैं कर नहीं पाया पूरा पेपर कंप्लीट। फिर मेरे को एग्ज़ाम देते ही समझ में आ गया था कि शायद ही मैं पास होऊंगा, और रिजल्ट भी वैसे ही आया, मैं पास नहीं हुआ। अब खाली एक ही मंत्र था, अगली बार के लिए मुझे केस स्टडी करके देखना था। तो मैंने 3 केस स्टडी बिफोर फाइनल एग्ज़ाम, खाली एक ही प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी लगाया, 3 केस स्टडी को पूरा पूरा लिख के देखा। 3 दिन मैंने पूरा अपना टाइम दिया। पहला दिन एक केस स्टडी 3 घंटा में जो ख़त्म करना होता है उसको करने में मुझे 5.5 घंटे लगे। मैं रुक ऐसा नहीं कि 3 घंटा हो गया था तो फिर मैंने छोड़ दिया कि नहीं हुआ, ऐसा नहीं। मैं पूरा उसका टाइम क्लॉक करके मैं देखा कितनी देर में हो रहा है, 5.5। अगला दिन किया 4 घंटा, तीसरा दिन किया ना तो वो 3 घंटा 10 मिनट में ख़त्म हो गया। 3 घंटा 10 मिनट में हो गया तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि केस स्टडी मेरा 3 घंटा में कैसे ख़त्म होगा, ये श्योर है। अब नेक्स्ट बार टाइम जब कॉन्फिडेंस में एग्ज़ाम देने गया तो वो 3 घंटा के 5 मिनट पहले ही मैं पेपर ख़त्म कर दिया था, और पेपर देने के समय पता चल गया था इस बार तो मेरे को पास होने से कोई नहीं रोक सकता, और उसी टर्म में पास हो गया। क्या होता है ना, केस स्टडी इज मोर अबाउट थिंकिंग एंड राइटिंग, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू रिमेंबर यू आर राइटिंग, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू आर रिमेंबरिंग कि मुझे खाली सर वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क ने याद किया हुआ है मैं उसी को लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है ना। आपको वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क को लिखना है प्लस क्वेश्चन में जो नया कुछ आया उसको रिलेट करके लिखना है, तो वो थिंकिंग एंड राइटिंग से ना हाथ थोड़ा सा बैठ जाता है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है। वो स्लो डाउन से ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि आपको अपने माइंड को एक बार प्रैक्टिस करवा देना है कि वो थिंकिंग एंड राइटिंग कैसे होगा। तो एटलीस्ट 2-3 केस स्टडी जो बड़ा बड़ा है आप लिख के देखो, और सबसे बेस्ट है कि वही केस स्टडीज़ को पकड़ो जो पास्ट 2-3 टर्म में आए हुए हैं, जिसका मार्क्स आपको मालूम है, मॉक टेस्ट पेपर ले लो इंस्टीट्यूट का, या फिर पास्ट सजेस्टेड आंसर का कोई केस स्टडी ले लो, भले ही आपको आता है सब कुछ उसके बारे में, बट स्टिल यू राइट वंस एंड सी हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग उसको करने में। आपको हो सकता है एक पहला वाला केस स्टडी को करने में आपको मालूम है वो 20 मार्क्स का है तो आपको हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं देना है या 40 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, आपको करने में 1.5 घंटा लगे, ऐसा हो सकता है। सबसीक्वेंट सेकेंड वाला को देखो कितना समय लगा, थर्ड वाला को देखो कितना समय लगा, फिर आप इवेल्युएट करो कि मैं कितना एक्स्ट्रा फालतू का लिख रहा हूँ, उसको शॉर्ट में कैसे लिखूं कि मेरा सारा टच पॉइंट्स भी हो जाए और एक एक का मैं रेफरेंस भी दे पाऊँ। मैंने देखा है पास्ट में जो स्टूडेंट्स आंसर स्क्रिप्ट्स लेके आए, मार्क्स नहीं आया, सर आप देखिए क्यों नहीं मार्क्स आया, मैं तो सब कुछ जानता भी था, लिख के भी आया, फिर भी मार्क्स नहीं आया, क्यों? क्योंकि उनका क्या हो रहा था, ये पॉइंट हो रहा था, ज़्यादा लिख रहे थे,
उनका क्या हो रहा था कि सारा टच पॉइंट्स नहीं कवर कर रहे थे, अपना खाली टच पॉइंट्स जितना याद है उतना ही लिख रहे थे। उनका एक और गड़बड़ क्या हो रहा था, खाली टच पॉइंट्स लिख रहे थे, रिलेट नहीं कर रहे थे विद द गिवन क्वेश्चन, तो रिलेट नहीं करने से मार्क्स जा रहा था। जब आपका ये तीनों क्राइटेरिया मीट होगा तो केस स्टडी आपका एकदम ईजी लगेगा, आपको आपको लगेगा केस स्टडी पूरा पेपर में हो तो ये अच्छा है, हेडेक कम है, आधा सामान तो क्वेश्चन से ही मिल जाता है लिखने के लिए और थोड़ा बहुत मेरे को याद रखना है, वो तो थोड़ा बहुत ऐसे ही याद रहेगा और आधा सामान क्वेश्चन से ही उठा के लिखना है। सो दिस इज हाउ केस स्टडी आपका काम करके देगा। तो केस स्टडी से कभी घबराना नहीं, जस्ट मेरा एक ही रिकमेंडेशन है कि यू मस्ट प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 केस स्टडीज एंड सी योर टाइम टेकन टू दैट, एंड उसी को ही प्रैक्टिस करिए जिसका मॉडल आंसर्स भी आपके सामने हैं, बट आंसर को रेफर करते हुए मत लिखिए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर पता है फिर भी लिख के देखिए, अगर लिखने का अभ्यास हो गया ना तो बस काम हो जाएगा आपका। ओके, सम पीपल आर सेइंग सर टेस्ट ले लो, भैया संभव नहीं है टेस्ट लेना और चेक करना, दैट इज़ अ बिग चैलेंज, उसको चेक करवाना इज़ अ बिग चैलेंज। ओके, और आप अपने आप खुद से इवैल्यूएट करो अपने आप को एंड देखो क्या क्या हो सकता है, अगर मेरी कोई इनपुट की ज़रूरत है तो मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, आपको ये सोचने का ज़रूरत नहीं है। चलिए, सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड योर फुल CA फाइनल न्यू सिलेबस रिविजन। ओके, सो इट्स फुल्ली कंप्लीट, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी टू हैव यू टुगेदर एंड थैंक यू फॉर ऑल योर कोऑपरेशन, especially the hiccups were there in initial days with the new technology, but everything is quite seamless now as you can see, and really some people have passed through it, aap log bhi bahut sehte sehte yahan tak pahunche, hum bhi aapke saath lage rahe, aap bhi lage rahe, to dono ka talmel se success ho paya hai, warna ye course beech mein drop bhi ho sakta tha agar aap saath nahi dete to। ha ye zarur hai ki sab koi saath nahi diye, but बाकी लोग भी पीछे पीछे आ जाएंगे, अब ये मेरे को पता है, बिकॉज मेरे ज़िंदगी के रूल में ना एक ही रूल आता है, ठीक है, वी शुड नॉट फॉलो ऑलवेज द मास, ओके, वी शुड नॉट फॉलो ऑलवेज द मास, वी शुड फॉलो ऑलवेज अ क्लास, क्लास मीन्स अ पार्ट ऑफ मास दैट इज़ ऑलवेज रेडी टू फेस द चैलेंजेस, that is always ready to support you in every circumstances, we should follow always the class, once class of people come to you the mass automatically follows the class। ये चीज़ मैंने पहले भी आप लोगों को अपने videos के through बताया, वापस आपको बताया, और ये जो भी मैं बताता हूँ ये सब मैं follow करता हूँ तो ही आपको बताता हूँ, ऐसे just कहने के लिए कुछ भी नहीं कहता। so आप मेरे लिए वो class हो, ओके, जिसके साथ मैं आगे बढ़ा और ये कोर्स ख़त्म कर पाया, एक प्लेटफॉर्म सक्सेसफुली हमारा रेडी हो पाया। ओके, सो आई रियली थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड, एंड इंटरेस्टिंगली यू नो यू आर द क्लास हुम नाउ द मास विल फॉलो, आप ही वो क्लास हो जिसको मास फॉलो करेगा, एंड नंबर्स आपको अपने आप पता चलते रहेंगे टाइम टू टाइम, यदि आप SJC से टच रहोगे तो KPIs हमारे वेबसाइट पर बहुत सारे डाले हुए हैं हर एक कोर्स के, आप वहाँ पे खुद भी देख सकते हो, सो परफॉर्मेंस मेजरमेंट अब अपने आप होता रहेगा, बट पॉइंट इज़ आपका साथ सब चीज़ में बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, एंड बहुत सारी छोटी छोटी बातें मैंने सिखाई हैं जो ज़िंदगी के उसूल भी हैं, जैसे कि फर्स्ट डे में परफेक्शन कभी नहीं आ सकता किसी भी चीज़ में, अब लाना है तो उसका तरीका होता है, उसके लिए हम लोगों को बहुत बड़े होने पड़ते हैं, वी नीड टू बी वेरी वेरी बिग इन्वेस्टर्स which we are not, I am a common man like you, okay, जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ, no much difference, just that हाँ काम करते करते थोड़ा सा समय हो गया है आपके साथ, आपके सोच को बहुत ज़्यादा सोच पाता हूँ खुद से, बस उतना ही difference है, बाकी जो दाल रोटी आप खाते हो वही मैं खाता हूँ, जैसे आप घर में सोते हो वैसे सोता हूँ, इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि आपका घर का स्टैंडर्ड मेरे से भी ज़्यादा अच्छा हो, ऐसा पॉसिबल है। ओके, तो हम लोग सब वो सब चीज़ को इग्नोर करके चल रहे हैं, हम लोग सब एक दूसरे को इक्वल मान रहे हैं, और यू नो आपका साथ से ही सब कुछ संभव हो पाया है, आज तक SJC में हम लोग जो भी कुछ कर पाए हैं वो सब स्टूडेंट्स के बदौलत ही कर पाए हैं, इसीलिए हालांकि SJC हमने
शॉर्ट फॉर्म जो बनाया था ना उसको, तो एक फुल फॉर्म पहले बनाया था अपना, एक एंटिटी बनाया था सतीश जलान क्लासेस बोलकर, बट फिर वो इतना बड़ा नाम था कि कल को उसको कॉरपोरेट स्ट्रक्चर देना था, तो फिर सतीश जलान क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड ऐसा कुछ बनता, सतीश जलान क्लासेस LLP, तो बड़ा अजीब लग रहा था। तो हमने उसको कॉम्प्रीहेंड किया कि चलो इसको SJC बना देते हैं, और कभी कोई पूछेगा कि SJC का फुल फॉर्म क्या है तो फुल फॉर्म में आप सतीश जलान क्लासेस नहीं बोलेंगे। तो हमारे एक दोस्त ने रेकमेंड किया था कि इसको बोलेंगे सक्सेस जॉय एंड सेलिब्रेट, फिर किसी ने बोला इसको बोलेंगे सिंगापुर जापान चाइना, बट अल्टीमेटली मुझे खुशी है कि आपके बैच से ही मुझे क्लिक करना शुरू किया कि हमने इसका नाम बोलना अब शुरू किया है स्टूडेंट्स जैसा चाहे। ओके, तो SJC इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स जैसा चाहे इंस्टीट्यूट। ओके, जैसे स्टूडेंट्स चाहें वैसे हम चलाएंगे, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस, एंड दैट इज़ हाउ थिंग्स गो ऑन। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर बेनिफिशरीज, थिंकिंग अबाउट योर कस्टमर्स कंटिन्यूसली, द थिंग्स चेंजेस ड्रास्टिकली। ओके, पूरा पूरा मंत्र यही है, फर्स्ट डे से सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता। इस चीज़ को अगर हम एक्सेप्ट कर लें और फिर परफेक्शन के लिए थ्राइव करें तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। अब बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, रोलर कोस्टर्स तो आएंगे ही आएंगे, उस समय भी पेशेंस के साथ यदि हम कंटिन्यू कर सकते हैं तो गेम चेंज हो जाता है। ओके, सो परसिस्टेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर रियली परसुइंग अ टफ थिंग।